Assalamualaikum. This is Fast Computing Society and Fast Film Society and Fast CS IEEE Society's podcast. ये हमारी 5th episode है and with us now we have our guests from FGC के founder president Usama Khattab from 19 Batch CS and Mr. Bilal Khalid Dar also from Fast Gaming Club and he's also the founding member and the founding mentor. तो सर एंड उसामा क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस टू दिस पॉडकास्ट। तो सर हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे बेसिक आपकी एजुकेशन और बायोग्राफी के लिए की तरफ से। तो आप थोड़ा सा बता दें कि वेयर यू बिलोंग फ्रॉम, इस्लामाबाद या फिर कहाँ से, एंड फिर बेसिक एजुकेशन से लेके स्कूलिंग से। ओके, सो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन रावलपिंडी और मेरी बेसिक स्कूलिंग जो थी दैट इज़ फ्रॉम कैन हॉल इन रावलपिंडी और उसके बाद जो मेरा कॉलेज था दैट वाज पंजाब कॉलेज, उसमें मैंने प्री इंजीनियरिंग की। दैन आई स्टार्टेड माई BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्राम कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और उधर से मैंने अपना मास्टर्स भी सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया। करंटली आई एम डूइंग माई PhD फ्राम फास्ट इस्लामाबाद and teaching as a lecturer here. Right. So that's my educational background. Usama, आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें स्टार्ट से। अच्छा, तो मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है बीकन हाउस रावलपिंडी कैंपस से हुई है। उसके बाद फॉर माय हाई स्कूल एंड ए लेवल्स आई मूव टू इस्लामाबाद बीकन हाउस मागला कैंपस और उसके बाद सीधा फास्ट फॉर बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। That's it. That's my basic education. So the topic of our podcast today is basically how FGC started and esports in general in Pakistan as well as fast. So हम लोग start यहाँ से करेंगे कि what were your interests in gaming? मतलब individually पूछ लेते हैं कि आप लोगों के gaming में क्या experiences रहे हैं, आप लोग मतलब इससे पहले भी इतना ही interested थे या फिर बाद में कहीं शौक पड़ा? मेरा तो मैं बचपन से ही I'm playing games. मेरी पहली game जो मैंने खेली थी वो Super Mario. सो वहाँ से आई प्लेड गेम्स, वहाँ पे उस कैसेट में Tekken 1 और Tekken 2 भी थे। वहाँ से फिर जो पहली मैंने PC गेम खेली थी वो Tekken 3, मतलब PC नहीं थी, एम्यूलेट हुई थी PlayStation की गेम इन वो। फिर बहुत सारे गेम्स आते थे जिसमें नियो जियो, ब्लैक हॉक डाउन, IGI। फिर मैंने बहुत सारे फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन शूटर गेम्स खेले। माई फर्स्ट मल्टीप्लेयर गेम जो मैंने एक्चुअल में खेली वाज काउंटर स्ट्राइक और जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में था तो वहाँ पे मैंने उसके डिफरेंट टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट किया। विजियो स्पार्क के अंदर मैंने 2 दफ़ा पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे हम रनर रहते। फिर उसके बाद अभी भी गेमिंग चलती है और आजकल के जो गेम्स हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा खेल रहा हूँ और वैलोरेंट और लीग ऑफ लेजेंड्स, उसके अंदर TFT जो है, टीम फाइटिंग टैक्टिक्स जो फेवरेट चल रहा है मेरा। सो बाकी जहाँ तक बात है कि एज ऑर्गेनाइज़र ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, तो मैंने सबसे पहले इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज़ किए थे वो ड्यूरिंग माई बैचलर्स किए थे कॉमसेट्स के अंदर। तो वहाँ पे पहला जो मेरा इवेंट था वो फेजर था, जहाँ पे हमने काउंटर स्ट्राइक 1.6, Tekken 3, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, फीफा इनका एक इवेंट करवाया था। इट वॉज इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट और फिर हर सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर कुछ ना कुछ रिलेटेड टू गेमिंग में इवेंट कराता रहा। और फिर मास्टर्स में थोड़ा सा बीच में ब्रेक था और अभी भी फास्ट में एज एन मेंटर एंड पार्ट ऑफ FGC सोसाइटी वी आर अरेंजिंग डिफरेंट इवेंट्स रिलेटेड टू ई स्पोर्ट्स प्लस गेम डेवलपमेंट। सही है। तो उसामा, आप सेम क्वेश्चन। अच्छा, तो मेरा भी कुछ इसी तरह का सिमिलर एक्सपीरियंस था। मैं बचपन से गेमिंग करता आ रहा हूँ, नॉट इंटेंसिव मे बी ऐसा फिलहाल, बट ये था कि जब मौका मिलता था कि ये मैंने गेम। इनिशियल मल्टीप्लेयर गेम्स में काउंटर स्ट्राइक 1.6, उसमें छोटे मोटे स्कूल कॉलेज में टूर्नामेंट्स होते थे। फिर एक जो यादगार मेरा टूर्नामेंट था, मैं छोटा सा था उस वक्त, काफ़ी अरसे से खेला था काउंटर स्ट्राइक, तो अपने चाचू के साथ कॉमर्स यूनिवर्सिटी गया था, तो वहाँ पे बहुत अच्छा खेला मैंने। क्या कहते हैं, और टॉप के जो है विनर ब्रैकेट्स में काफ़ी आगे तक गए थे। और मेरे साथ जो सारे लोग थे उस वक्त वो बैचलर्स के थे और मास्टर्स के थे, और मैं जो था उस वक्त अबाउट 12 years old। हाँ, तो आई वाज क्वाइट यंग। उसके बाद आई प्लेड वर्ल्ड ऑफ टैंक्स फॉर सम टाइम। वर्ल्ड ऑफ टैंक्स में यू कैन कॉल मी एज समवट ऑफ अ सेमी प्रो। आई जॉइंड अ क्लैन, आई यूज्ड टू प्ले विद नॉर्थ अमेरिकन प्लेयर्स। तो वहाँ पे ये होता था उस वक्त वर्ल्ड ऑफ टैंक्स के पीक में, ये होते थे क्लैंस होते थे। क्लैंस में अराउंड अबाउट 50 to 100 पीपल होते थे और उनकी फिर A टीम्स B टीम्स इस तरह का सिलसिला होता था। तो आई वाज इन B टीम और जो क्लैन जिसमें मैं था वो इट वाज कॉल्ड थग्स। तो एंड बी टीम को उस वक्त उनने मुझे ऑफ़र की थी कि यू कैन मूव टू द US, विल गिव यू अ कॉन्ट्रैक्ट और आप यू कैन प्ले फॉर अस एज अ प्रोफेशनल प्लेयर। बट मैं तो उस वक्त क्वाइट यंग था, तो अबू से मैंने डिस्कस किया, तब उन्होंने कहा बैठ जा चुप करके तो पढ़ाई कर अपनी। तो इस तरह से फिर मेरा ई स्पोर्ट्स में ऐसा ऐसा इंटरेस्ट डेवलप होता रहा। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू यूनिवर्सिटी लाइफ, आई थिंक अबाउट इन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आई वॉज इंट्रोड्यूस टू वैलोरेंट, और उसी टाइम पे मैंने अपना गेमिंग पीसी भी बनाया था, फर्स्ट टाइम खुद बिल्ड किया अपना, और वैलोरेंट खेलता गया। काफ़ी पसंद आई मुझे, CS का एक्सपीरियंस भी था, तो मैंने कुछ दोस्त जमा करके एक छोटी सी टीम बना ली उनका। पहले आई यूज़ टू प्ले विद दैम, फिर इवेंचुअली आई स्टार्टेड कोचिंग दैम, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। तो मैंने कहा इसको आगे लेके चलते हैं, तो आई स्टार्टेड एन ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, और उसका नाम भी मैंने थग्स स्पोर्ट्स रखा। उनसे परमिशन ली थी आपने या नहीं? नो परमिशन। हमारे तो परमिशन कल्चर थी जब एग्जैक्टली। तो मैंने कहा वो US में बैठे अंग्रेज हैं, गोरे, उनको फर्क क्यों पड़ेगा, उनको पता भी कैसे चलेगा। तो फेसबुक पेज से शुरू किया, उसके बाद डिस्कॉर्ड बनाया, फिर मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिल गए। वो टाइम था, आई थिंक कोरोना अभी थोड़ा सा गुजर चुका था, 2019 तो नहीं था, 2020 की बात है। हाँ, तो और छुट्टियां भी थी, समर चल रहा था, तो पीक पे थी गेमिंग ना, और वैलोरेंट का भी पीक था वो। तो इवेंचुअली ये हो गया, मेरे पास राउंड अबाउट 60 प्लेयर्स जमा हो गए थे, और एट अ टाइम 60 प्लेयर्स और साथ कुछ मैनेजर्स भी थे, और वो भी वॉलंटियर्स ही थे। और फिर ये होता था कोई भी टूर्नामेंट में हम पार्टिसिपेट करते थे, तो उसकी विनिंग्स में से उनको तो विनिंग्स आती थी, फिर कुछ विनिंग्स हम जो है वापस डेडिकेट कर देते थे, और उसके डिस्कॉर्ड पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदना, टीम्स वीक की सब्सक्रिप्शन खरीदना, और इन कॉस्ट में चली जाती है। खुद तो मैंने खैर उसमें कुछ भी नहीं रखा, सारी चीज़ें वापस या री इन्वेस्ट कर दी। तो एक किस्म की नॉन प्रॉफिट ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। आपकी एज क्या थी? एज तो ये तो यूनिवर्सिटी की बात है, आई वाजंट वेरी यंग। हाँ, बट दैट्स स्टिल प्रीटी यंग कि आप एक नॉन प्रॉफिट टीम बना दें, उसकी फाइनेंसिंग भी आप खुद ही संभाल लें, एंड आपके पास प्लेयर्स हों और मेंटर्स भी हों, लाइक दैट्स अ होल सोसाइटी ऑन इट्स ओन, मगर इन द रियल वर्ल्ड, नॉट इन अ यूनिवर्सिटी। यस, इन द रियल वर्ल्ड। आई डिडंट थिंक अबाउट रजिस्टरिंग इट एज अ बिजनेस, पर वो काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा था, तो इसलिए नहीं है। हाँ, यू आस्क्ड अबाउट माय एज, तो आई वाज अबाउट 22-23 इयर्स ओल्ड। तो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, और उसमें इवेंचुअली ये भी था कि हमारे पास फीमेल प्लेयर्स भी आई थी काफ़ी, और काफ़ी स्ट्रीमर्स फीमेल, जिस तरह आप हैं मिलॉक सिटी हैं, या उसके अलावा स्कारलेट हैं, और हेग्जर हैं, इस तरह के लोग। फिर निबरास लेजेंड सिद्दीकी, इस तरह का नाम है उस बंदे का, और एक है 69, ये काफ़ी सारे लोग जो हैं ये हमारी। और उज़ैर ख़ास तौर पे, उज़ैर अब वैलोरेंट कम्युनिटी में बहुत फेमस हैं, उनके आई थिंक अबाउट 100K फॉलोअर्स हैं या इस तरह कुछ उनकी रीच आती है। तो वो भी हमारे इसी प्लेटफॉर्म से जो है ना वो ऊपर उनको एक्सपोजर मिला, फिर यहाँ से ऊपर गए। तो इस तरह काफ़ी लोग हमारे पास आए, तो ओवरऑल काफ़ी सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा था। अराउंड अबाउट 1 ईयर्स तक मैंने उसको एक्टिवली परस्यू किया और चलाता रहा। और फिर ये हुआ इवेंचुअली के, चूँकि वो मैंने बताया कि चैलेंजिंग हो रहा था पढ़ाई के साथ मैनेज करना, तो अब उसको थोड़ा आई वुडंट से डिसबैंडेड, बट थोड़ा उस मोड में चले गए हैं, हाइब्रिड मोड में। प्लेयर्स अपने तौर पे खेल रहे हैं, कभी टीम को रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं, बट ये कि मैं उसको डायरेक्टली मैनेज नहीं करता। तो ये था मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस अब तक का। चलिए लेट्स मूव ऑन टू हाउ FGC बिकेम अ थिंग। तो FGC के बारे में थोड़ा सा बता दें कि किस तरह FGC एग्जिस्टेंस में किस तरह आई है। सही, तो आई स्टार्ट मेरा लेफ्ट ऑफ थग्स स्पोर्ट्स, मैंने जैसे ही छोड़ी तो उसके बाद आई थिंक सो अगला सेमेस्टर भी शुरू हुआ था या शुरू होना था कुछ इस तरह, यूनिवर्सिटी आना जाना हुआ। तो आप के साथ मैं एक दिन बैठा हुआ था इब्राहिम के साथ, तो हुआ कुछ यूँ कि डॉक्टर जोहैब गुजर रहे थे, तो मैंने इनसे डिस्कस किया था कि यार मैंने अपनी सोसाइटी वगैरह शुरू करनी है, गेमिंग की यहाँ पे शुरू करता हूँ। तो आपके साथ ही फिर आप मुझे ले गए जैसे के सर के पास, आओ चले बात करते हैं। तो फिर सर जोहैब से मैंने अपना आइडिया डिस्कस किया, थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स बताई, एक्सपीरियंस बताया रिलेटिव फील्ड में। तो सर काफ़ी एक्साइटेड थे उस वक्त, जो कि मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि फास्ट में मुझे तो कोई ऐसा टीचर या ऐसा बंदा नहीं मिला था इससे पहले जिसने इतना इंटरेस्ट शो किया। और वो तो कहते मेरे पास 30-80 है, तो मैं वो दे दूँगा। तो लैब दे दूंगा, तुम करो शुरू ई स्पोर्ट्स का काम, यहाँ मैं तो काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, गो अहेड है मेरी तरफ से। तो मैंने कहा कि तो बड़ा अच्छा सीन हो गया। फिर ये हुआ कि कुछ दिनों बाद उस वक्त ये होता था कि NUGC एक पार्ट थी NUCS की, NUCS की जो कंप्यूटिंग सोसाइटी है, एग्जैक्टली। तो उसका एक छोटा सा डिपार्टमेंट था NUGC विच इज़ लाइक नेशनल यूनिवर्सिटी गेमिंग क्लब, सही। हाँ, तो उसके लिए मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे, इंटरव्यूज़ काफ़ी अच्छे गए थे, तो मैं सेलेक्ट हो गया था। तो NUGC यस, मतलब NUCS के अंदर एक छोटा पार्ट है डिपार्टमेंट, उसमें उसके लिए मैं सेलेक्ट हो गया था टू लीड दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो फिर अब ये उसके बाद की बात है कि मैंने सर डॉक्टर ज़ोहैब से बात कर चुका था, और शायद मैं भी भूल गया था, वो भी शायद भूल गए। खैर वो भूले नहीं थे, मुझे लग रहा था कि वो भूल गए। तो उसके बाद कुछ हुआ कि सर बिलाल ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, सॉरी इंटरव्यू भी मीटिंग के लिए बुलाया था वैसे, कि मैं देखना चाहता हूँ कौन सिलेक्ट हुआ है, उससे डिस्कस करते हैं प्लान्स वगैरह। तो मैं सर बिलाल के पास गया, हमने प्लान्स डिस्कस किए। सर ने मुझसे पूछा कि आपके क्या प्लान्स हैं, किस तरह की चीज़ें करनी है, जस्ट टू चेकअप ऑन के बंदा सही भी है कि नहीं। तो सर ने मेरे से सारे प्लान्स डिस्कस किए, और सर ने मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, और फिर मैंने सर को उस वक्त ही बताया कि मैंने हाँ सर से बात की हुई है डॉक्टर ज़ोहैब से, कि इसको एक एज अ सोसाइटी जो है वो लेके चलते हैं, तो देखते हैं उसके बारे में क्या होता है। तो सर वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो खैर हमारा ये हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये वाकई में वुड कम टू फ्रूट, वुड बी फ्रूटफुल, कि ऐसा होगा, बट ये था कि थोड़ी उम्मीद थी। तो कुछ हफ्तों बाद ऐसा हुआ कि सर डॉक्टर ज़ोहैब ने आई थिंक बुलाया था मुझे अपने ऑफिस, और उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप अपनी सोसाइटी को उन्होंने बेसिकली ये कर दिया था कि सोसाइटी कोई भी बंदा रजिस्टर कर सकता है अपनी नई, और एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉन्च किया था। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बोला कि आपकी जो सोसाइटी है उसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ NUCS से, और अब आप ये फॉर्म्स जो है फिल आउट करके सबमिट करें, तो मैं इसको अप्रूव करूँगा, और इसमें अपने सारे आप गोल्स डिस्कस करके। तो फिर वो उस पर मैं काफ़ी खुश था, भागा गया अपने दोस्तों के पास, और क्या कहते हैं उनको बताया। फिर उसके बाद सर के पास आया, और काफ़ी दिन रात मेहनत करके उसमें मैं दुनिया जान की गंदमला डाल दिया। मैंने कहा उसमें जो हम कर सकते हैं करेंगे, गेम डेवलपमेंट भी करेंगे, और ई स्पोर्ट्स भी करेंगे, और CTFs भी करेंगे, और उसमें मतलब एथिकल हैकिंग मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा वो भी करेंगे एथिकल हैकिंग। हाँ, तो मैंने कहा ये चीज़ें भी करेंगे, सब करेंगे। CTFs भी बेसिकली कॉम्पिटिशन्स के होते हैं। हाँ, तो मैंने कहा वो भी इसमें आ सकते हैं, तो वो भी हम कर लेते हैं। खैर भर के चीज़ें लेके गया सर के पास, तो सर ने पढ़ा तो पहले तो सर हंसे तो कहते हैं बेटा सब कुछ नहीं करना आपने, तो इसको ज़रा डोमेन को अपना कंसाइज रखें, और फिर उसके बाद हम इसको प्रूव कर लेते हैं। और फिर मेरे पास ले आया, तो फिर मैं सर के पास आया, सर से थोड़ी डिस्कशन की और हम क्या क्या करा सकते हैं। खैर उस वक्त भी जो चीज़ें हमने मेंशन की थी काफ़ी एम्बिशियस थी, और हमने इवेंट्स वगैरह कुछ लिखे। एक हमने लिखा था उसमें हम कराएंगे ग्रैंड गेमिंग सागा, एक अपना चैम्पियनशिप ई स्पोर्ट्स लोकल फास्ट की सिर्फ, और एक उसमें हमने लिखा एनिमे कौन कराएंगे। ये तीन हमने बेसिक इवेंट्स लिखे थे उसमें, और फिर हम ये लेके चले गए सर के पास, और इवेंचुअली अप्रूव हो गया। सर तो आपके पर्सपेक्टिव से यही वाला जो पूरा प्रोसेस था ये आपके पर्सपेक्टिव से कैसा था? अच्छा, मैंने जब फास्ट ज्वाइन की थी तो इनिशियली मैं किसी भी सोसाइटीज़ का पार्ट नहीं था, किसी भी उसमें कमेटी वगैरह में नहीं था। तो इनिशियली मुझे यूनिवर्सिटी नहीं, खुद से NU, क्योंकि मेरे CV के अंदर था कि मेरा एक्सपीरियंस है डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइज कराने में और डिफरेंट इस तरह की चीज़ों में। तो इनिशियली उन्होंने मुझे ऐड किया NUCS के अंदर कि कंप्यूटिंग सोसाइटी, आप उसके फैकल्टी मेंटर बने, और अगर आपके इवेंट्स वगैरह होते हैं तो स्टूडेंट्स को वहाँ पे गाइड करें। सही है। सो तब आई टोल्ड डॉक्टर काशिफ वाज दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट दैट टाइम। तो उन्होंने फिर ये जब कम्युनिकेट किया तो मैंने उनको बताया कि मुझे गेमिंग और इस तरह की चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो देन आई वाज लेट नो कि इसी के अंदर एक पार्ट है विच इज़ NUGS, तो मैं उसको मेंटर कर सकता हूँ। तो तब उसके हायरिंग इंटरव्यूज़ हमने स्टार्ट किए कि कौन पार्ट बनेंगे, स्टूडेंट बॉडी हमारे उसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स होंगे। तो तब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ विद उसामा, एंड आई गॉट टू नो कि इसकी काफ़ी अच्छी प्रोफाइल थी, काफ़ी ज़्यादा ये इवेंट्स करा चुका था, ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रहा था, और वो भी सेल्फ पे लेके चल रहा था, कोई स्पॉन्सर या इस तरह की चीज़ें इसके साथ उस टाइम पर, मतलब सब चीज़ें इसके अपने ओन पे थी। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस विद दैट। तो पहले तो हमने इनिशियली NUGS के अंदर ये एक इवेंट करवाया था। देन आई गॉट टू नो कि जो NUCS है वो स्प्लिट हो रही है, उसके अंदर से NUGS है वो अलग से एक कंप्लीट सोसाइटी बनना चाह रही है। तो मेरी फिर इनिशियल जो इसके रिलेटेड डिस्कशन थी वो उसामा के साथ हुई और फिर हमने उसके जो बेसिक क्या क्या हम चीज़ें सोसाइटी के अंडर कर सकते हैं वो फाइनलाइज की, जिसमें मेन चीज़ वर्स कि हम इसके अंडर ई स्पोर्ट्स और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो मैनेज करेंगे, प्लस जो भी गेम डेवलपमेंट और गेम लर्निंग से चीज़ें से रिलेटेड चीज़ें वो इसके अंडर हम करवा सकते हैं सोसाइटी के अंदर। तो फिर हमने इसका एक इनिशियल प्लान बनाया, वो प्लान डॉक्टर ज़ोहैब उस वक्त डायरेक्टर थे कैंपस के, तो उनके साथ सारी चीज़ें शेयर हुई, तो उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट थी, उन्होंने कहा कि आप इसको परस्यू करें। तो तब वी हैड FGS फास्ट गेमिंग क्लब जो कि एक रीवैम्प सोसाइटी थी जिसका सोल पर्पस वाज थिंग्स रिलेटेड टू ई स्पोर्ट्स एंड गेम डेवलपमेंट एंड गेम लर्निंग। तो फिर आई बिकेम द फैकल्टी मेंटर ऑफ फास्ट गेमिंग क्लब, उसामा बिकेम द प्रेसिडेंट, और उसके बाद हमने एक को मेंटर को ऑन बोर्ड लिया विच वाज डॉक्टर हसन। तो फिर दैट्स हाउ द सोसाइटी केम टू बी। तो अब ये कलेक्टिव क्वेश्चन है बिकॉज नाउ अब आप लोग पास हो गए हैं मेंटर एंड प्रेसिडेंट, तो इनिशियल आपका विजन FGC के लिए क्या था? आपने ये तो बता दिया कि एप्लीकेशन में आपने गेम डेवलपमेंट और आपने कहा कि गेमिंग रिलेटेड एवरीथिंग, बट व्हाट वाज योर विजन, मतलब कि आपने गोल क्या सेटअप किया हुआ? जब मैंने फास्ट को ज्वाइन किया था तो यहाँ पे तब मैंने एक ही दफ़ा सुना था कि इलेक्टिव गेम डेवलपमेंट का कोई कोर्स था, लेकिन गेम डेवलपमेंट के ऊपर कोई एक्टिव काम नहीं चल रहा था। बहुत लिमिटेड बच्चे ऐसे थे जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर भी गेम डेवलपमेंट का कोई काम करते थे। तो मेरा पहला विजन तो ये था कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, वी शुड हैव सम वर्कशॉप सेमिनार रिलेटेड टू गेम डेवलपमेंट, जिससे हम इस चीज़ों से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो क्रिएट कर सकें, और जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरेस्टेड है एक्चुअल में गेम डेवलपमेंट में काम करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके कि वो गेम डेवलपमेंट की चीज़ों को लर्न कर सकें और फिर एक्चुअल में उस पर कुछ प्रोजेक्ट्स कर सकें और अपने जो स्किल्स हैं वो शोकेस कर सकें। सेकंड जो विजन था इज ई स्पोर्ट्स वाज ऑन द बूम, बहुत सारे पाकिस्तान से प्लेयर्स राइज कर रहे थे। अरसलान ऐश जो था वो ईवो जापान जीत चुका था, तो हर बंदे को पता था कि टेकन का टूर्नामेंट हुआ है उसमें एक पाकिस्तानी ने विन किया है, और इस तरह डोटा के अंदर भी सुहेल आपको पता है कि वो उसका भी नाम चल रहा था। तो मेरा सेकंड विजन वाज कि हमें फास्ट के लिए अपनी ई स्पोर्ट्स टीम्स जो हैं वो प्रिपेयर करनी चाहिए फॉर द फेमस गेम, जिनके प्रॉपर टूर्नामेंट्स होते हैं नेशनल प्लस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो हम अपनी सोसाइटी को इस तरह से बिल्ड करें कि हम उसमें से प्लेयर्स आइडेंटिफाई कर सकें और उनको सपोर्ट दे सकें कि वो जो भी ई स्पोर्ट्स के डिफरेंट इवेंट्स उनमें जाके पार्टिसिपेट कर सकें और फास्ट को रिप्रेजेंट कर सकें। सो मेरा बेसिक विजन जब इनिशियली मैंने सोसाइटी को ज्वाइन किया था एज अ मेंटर तो यही था। आपकी भी एस्पिरेशंस थी या कोई डिफरेंस था? काफ़ी सिमिलर एस्पिरेशंस थी और यही था कि क्योंकि मैं तो उस फेज से आ चुका था कि अपनी ई स्पोर्ट्स लाइक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना के उसके बाद उसके लिए जो मेरा विजन था तो वही मैं आई ट्राइड टू ट्रांसफॉर्म इट, ब्रिंग इट हियर, और यही चाहता था कि यहाँ पे भी एटलीस्ट अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस तरह नहीं लेके जा सका उस लेवल तक, तो यहाँ पे फास्ट में मैं ऐसे कर सकूँ क्योंकि आई हैड द बेसिक ग्राउंड वर्क, द आई वुड से द सपोर्टिंग पीपल लाइक डॉक्टर ज़ोहैब एंड सर बिलाल। सो लाइक आई वाज अलोन व्हेन आई वाज मैनेजिंग थग्स Esports, बट हियर आई हैड पीपल ऑल अराउंड मी दैट वुड टू सपोर्ट मी, सो इट फेल्ट मच ईजियर एंड इट वाज it kind of felt intuitive that I would go for something like this. तो हाँ काफ़ी हद तक सेम विजन था, गेम डेवलपमेंट के लिहाज से भी काफ़ी सेम विजन था, और ये चाहता था मैं कि जो हम जिस भी चीज़ को लेके चलें गेम डेवलपमेंट या ई स्पोर्ट्स, उसमें हम अपने साथ यूनिवर्सिटी के बाहर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ढूंढें और वो फिर हमारे लिए इनेबल करें कि हम जो है अपने प्लेयर्स के लिए और अपने जो सोसाइटी मेम्बर्स हैं इवन दैम वो भी अगर इस फील्ड में कैरियर्स अपने डेवलप करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो भी कर सके, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे बने। तो ऐसे फिर मैंने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं ढूंढना शुरू कर दिए। द फर्स्ट वन वाज माइंडस्टॉर्म स्टूडियोज़, हाँ गेम डेव वाली जो एग्जैक्टली उनको तो खैर हमने खुद अप्रोच नहीं किया, देख जस्ट काइंड ऑफ इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि वो यहाँ आए हुए थे, हाँ, और फिर डॉक्टर ज़ोहैब ने मुझे बुलाया एक दिन ऑफिस में, आओ जल्दी मेरे, और फिर उनसे मुलाकात करवाई और फिर उनके साथ हमने तो नहीं खैर यूनिवर्सिटी ने MOU साइन किया ऑन दीज टर्म्स के FGC फास्ट गेमिंग क्लब आवर सोसाइटी वुड कोलैबोरेट विद माइंडस्टॉर्म स्टूडियोज़ लाहौर एंड माइंडस्टॉर्म स्टूडियोज़ लाहौर वुड ऑर्गेनाइज सम इवेंट्स हियर फॉर गेम डेवलपमेंट एंड वी वुड सपोर्ट देम, ठीक है। तो ये पहली कंपनी थी। देन आफ्टर दैट वी कोलैबोरेटेड विद VRPlay वीआर प्ले जो था वो एक मल्टीनेशनल कंपनी की सब्सिडरी थी और उनको मैंने इंटरनेट के थ्रू ही बस मुझे मिली और मैंने उनको अप्रोच किया, दे कॉल्ड मी फॉर अ मीटिंग और यहीं पास उनका ऑफिस था I9 में, I9 या I10, तो वहाँ मैं गया उनके साथ मीटिंग की और वो काफ़ी इम्प्रेस थे कि अभी तक मतलब जिस हिसाब से एफसीसी चल रही थी, जो हमारे पास डॉक्टर जोहैब ने इक्विपमेंट एलोकेट की थी, अलाउ की थी, टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट थी, स्पेस थी, ह्यूमन रिसोर्सेज थे, तो काफ़ी इम्प्रेस थे, तो इंटरेस्टेड थे हमारे साथ काम करने में। तो उनके साथ हमारी एक जो है ना इनिशियल लाइक अंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने हमें अपनी तरफ से बोला कि हाँ इन द फ्यूचर इवेंट्स वी वुड डेफिनेटली लाइक टू कोलैबोरेट विद यू और वो एक काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप थी जो हमने सिक्योर की। लास्टली जो है वो जॉयलैंड के साथ हमने बात की इन द स्टार्ट और जॉयलैंड के साथ भी इनिशियली हमारी काफ़ी अच्छी गुफ्तगू चल पड़ी थी और उनका ये था कि हम आपको इन काइंड स्पॉन्सरशिप ऑफर करेंगे और आपकी जो ई स्पोर्ट्स टीम है उनको हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ हम वो हम फेवर कर सकें, बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकें वो हम करेंगे। बेशक यहाँ से उनको हम लाहौर जाते हैं या किसी और सिटी जाते हैं तो वहाँ पे भी हम उनको अकोमोडेशन या इस तरह की चीज़ें जो प्रोवाइड करेंगे। आपकी जो सोसाइटी मेंबर्स हैं उनको भी हम बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे जो जॉयलैंड आते हैं। तो इस तरह की काफ़ी अच्छी उनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी थी। ठीक है, तो अब ख्वाब देख लिए हैं, अब आपने थोड़ी सी चीज़ें लिख ली हैं। अब ये सारे के सारे के बाद आता है एक रियलिटी चेक। एक आता है कि आपके सामने एक कुल्हाड़ा गिर जाता है, खुद से गिर सकता है, कोई आपके ऊपर हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स फेस हुए थे। सिंस इट्स अ न्यू सोसाइटी, इट्स अ बिग यूनिवर्सिटी, 10-15 पुरानी सोसाइटीज़ हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, अब क्या इश्यूज़ कुछ ऐसे जो आप डिस्कस कर सकते हैं, करना चाहते हैं। सबसे पहला इशू इज़ इट्स अ यूनिवर्सिटी सोसाइटी। ठीक है, जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी एक सब सोसाइटी या इस तरह की चीज़ क्रिएट करते हैं तो यू हैव टू एडहेयर टू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि मे बी एक अगर एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसको फॉलो नहीं करने पड़ते। सो उसमें यूनिवर्सिटी के टाइमिंग्स का इशू है। अगर आप एक स्टूडेंट सोसाइटी बना रहे हैं तो स्टूडेंट्स के अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, उनकी क्लासेस हैं, उनके अपने पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं, प्लस अब क्योंकि इस स्टूडेंट सोसाइटी तो सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स होना। अब जिस तरह उसामा आया क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड था, आई बिकेम फैकल्टी मेंटर क्योंकि आई वाज सेल्फ मोटिवेटेड। तो अगर आप एक सोसाइटी चलाना चाहते हैं तो सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स को ढूंढना, वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी एंड वर्क फॉर दैट फॉर नो मनी और व्हाटएवर यू नो, कोई भी जो उसमें रिवॉर्ड्स हैं, तो वो एक डेफिनेटली इज अ चैलेंजिंग थिंग। तो फर्स्ट टास्क वाज टू फाइंड पीपल जो कि इस विजन के अंदर इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, फिर यू नो वी गॉट यू ऑन बोर्ड, वलीद ऑन बोर्ड, तो और भी जो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि इंटरेस्टेड थे उन सबको हमने अपनी सोसाइटी का पार्ट बनाया। तो पहला चैलेंज तो ये था। फिर उसके बाद अब इसको विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैड टू अरेंज सम इवेंट्स और उस इवेंट के लिए फिर जो वो रिसोर्सेज आपको चाहिए होते हैं वो दैट वाज द सेकंड चैलेंजिंग पार्ट। और फिर एक ऐसा इवेंट करवाना दैट पुट अस ऑन द मैप देयर विद दैट बिगर सोसाइटीज़ जो कि पहले से हैं, फिर दैट वाज अनदर चैलेंज। तो फिर उसके लिए उसामा डिड फ्यू थिंग्स, सो आई वुड लाइक उसामा टू यू नो एक्सप्लेन कि वो क्या क्या स्टेप्स थे जो हमने लिए जो जिन्होंने इन प्रॉब्लम को सॉल्व। प्रॉब्लम्स के बाद एक तरफ से हमारे सॉल्यूशन की तरफ हम लोगों की ने आप लोगों ने क्या किया जिसकी वजह से मतलब सक्सेसफुल बन गई। तो सबसे पहले तो ये था कि फाइंडिंग द राइट पीपल लाइक सर बिलाल सेड। तो मेरे लिए सबसे पहले तो मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे विच इंक्लूडेड यू, इब्राहिम, फिर उसके बाद सरदार, मुनीब, आयशा, ज़फ़र और रोहान, इश्तियाक, ये लोग जो हैं वो सबसे पहले जो है वो लाइक दे वर ऑब्वियस चॉइस फॉर मी टू कीप देम इन द सोसाइटी बिकॉज वो मुझे शुरू से सपोर्ट करते थे, दे वर चीयरिंग मी अप इंक्लूडिंग यू एज वेल और इवन दो दे हैड लाइक not those prominent roles, ठीक है, but still they were like present all the time, मेरे साथ थे और हर जो मैं ideas reflect करता था उस पर वो positive negative मतलब negative नहीं but always constructive feedback, हाँ criticism मिलती थी उनकी तरफ से। तो I think मेरे लिए ये लोग जो थे आप including और everyone all these people these were the reasons के I could stay focused and we took it so far। उसके अलावा जो है सर बिलाल भी ऑब्वियसली मेरे साथ थे, एक तरह से दोस्तों की तरह मेरे साथ थे। जब भी कोई प्रॉब्लम होता था सर बिलाल के पास हम पहुंच जाते थे। तो उसके बाद ये था कि हमें चूँकि हम न्यू सोसाइटी थे बिल्कुल और अभी हमारी शुरुआत थी बिल्कुल और कोई इतना जानता नहीं था, एक्सपोजर नहीं था, मार्केटिंग नहीं थी, तो हमें पहला ये था कि अपना इमेज एक बनाना है, ठीक है, कोई अपना नाम बनाना है कि पता हो लोगों को GCB है यार, ठीक है, बहुत किसी को तो खैर पता ही नहीं था क्योंकि बिल्कुल इससे पहले NUGC ने भी जो काम किया वो लिमिटेड कैपेसिटी में किया, ठीक है, और कुछ वो इवेंट्स कराए उन्होंने और कुछ ग्रुप्स बना दिए थे व्हाट्सएप पे जिसमें काफ़ी लोग जो गेमिंग के बहुत डाई हार्ड फैंस थे, लेकिन ज़्यादातर सीनियर लोग 18 मैच 19 मैच वो सारे उस ग्रुप में थे और उनकी कम्युनिटी से एक बिल्ड हो गई थी। बट स्टिल मैनी पीपल इन फास्ट स्पेशली द न्यूअर बैचेस, आई थिंक उसको 20 बैच था या 21 बैच भी था, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि FGC नाम की कोई चीज़ होती है। तो वी वर लुकिंग फॉर काइंड ऑफ बिग ब्रेक थ्रू, कोई ऐसा इवेंट हो जिस पे हम अपनी मार्केटिंग करें। तो आई थिंक उस वक्त सरदार केम अप विद द आइडिया कि अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसके ऊपर हम एक स्क्रीनिंग करा देते हैं। तो आई थॉट इट वाज अ, उस वक्त तो मुझे लगा कि नहीं यार खास आइडिया नहीं है। बाद में मैंने सर बिलाल को बताया, सर कहते हैं ऐसे आइडिया तो अच्छा है। तो फिर आपको डिस्कस किया, आपने कहा हाँ हम कर सकते हैं डेफिनेटली। तो फिर उसके बाद थोड़ी प्रिपरेशन शुरू की और फिर आप ही मुझे मेरे ख्याल से लेके गए थे डॉक्टर जोहैब के पास और आपने फिर हमने डिस्कस किया सर से कि हम इस तरह स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं। तो सर ने कहा मुझे बंदोबस्त करके तो विंडोज़ लेकर आओ और फिर मैं करूँगा। तो थी तो बिल्कुल एक नई चीज़, ना हमने पहले कभी स्क्रीनिंग कराई थी, ना हमें पता था स्क्रीनिंग में इन्वॉल्व क्या होता है। मुझे तो ये लग रहा था स्क्रीन में जब स्क्रीनिंग कराते हैं तो उसमें पर्दा लगा के प्रोजेक्टर लगाते हैं और ये सीन होता है। तो मेरे माइंड में ये था कि उठाएंगे ऑडिटोरियम से प्रोजेक्टर और बाहर लगा देंगे पर्दा बिल्डिंग के सामने, नई CS बिल्डिंग के सामने, और प्रोजेक्टर लगा देंगे और लोगों को कुर्सियों में बैठा देंगे, नहीं तो ज़मीन पर बैठा देंगे। ये सीन मेरे जहन में था। फिर जब थोड़ा रिसर्च किया आइडिया हुआ कि हाँ भाई स्क्रीन भी होती है, SMD होती है, उसके बाद साउंड सिस्टम लेना पड़ता है, सीटिंग होती है, स्टेज लगाना होता है स्क्रीन के लिए। तो वो चीज़ें पता चली तो फिर हम भागे और आई थिंक जो मैच था पाकिस्तान वैसे ऑस्ट्रेलिया था जी हाँ, और सेमीफाइनल था, तो वो था आई थिंक 3 वीक्स अवे इस तरह कुछ था, या हाँ 3 वीक्स या 2 वीक्स का मार्जिन से था। और होता है ये नॉर्मली कि स्क्रीन जो है वो बुक हो जाती हैं 2 वीक्स प्रायर टू अ मैच, ठीक है, और ये बड़ा मैच भी था, बड़ा मैच। तो बहुत मुश्किल से हमने ढूंढने की कोशिश की और 1-2 स्क्रीन मिली हमें। लेकिन अक्सर ये होता था अगर एक बंदा कह रहा है आज आपको कि मैं स्क्रीन आपको दे दूंगा लेट्स से 60,000 में, 2 दिन के बाद वो कहेगा सॉरी मैंने स्क्रीन कहीं और दे दी है, आपको चाहिए था 120 में मेरे से, कहीं और से मैं आपको अरेंज कर दूंगा, ठीक है। तो प्राइसेस डबल और स्क्रीन गायब, तो ये सीन होता। फिर आपने कुछ कॉन्टैक्ट्स लड़ाए और आपके कॉन्टैक्ट से बात हुई, उन्होंने भी हमें पहले हाँ कर दी। और नॉर्मली होता है कि अगर आपको कन्फर्म स्क्रीन चाहिए तो आप पहले इनिशियल पेमेंट कोई करो और पेमेंट के बाद जो है फिर जाके कुछ स्क्रीन वगैरह मिलेगी। और तो यूनिवर्सिटी बीइंग यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे इस तरह का सीन तो होता नहीं है कि आप इनिशियल किसी को पेमेंट करें। यूजुअली ये होता है कि ऑन स्पॉट पेमेंट होती है या फिर आफ्टर द इवेंट यूनिवर्सिटी जो है एक बिल पे आपको पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र करती है। तो ये थोड़ा सा एक मुश्किल पार्ट था। फिर खैर ये हुआ कि इवेंचुअली मैंने अपने कॉन्टैक्ट लड़ाया उनके साथ, हमें हो गया कि बस डन हो गया ये हमें दे देंगे। और उनके पास मैं और आप भागे गए, ठीक है, और कंपनी का नाम मैं ले लूँगा लेकिन खैर हम गए F7 और हुआ फिर कुछ यूँ कि वहाँ हम बैठे थे तो बैठे वो कहते हैं हमें कि सॉरी यार स्क्रीन हमने कहीं दे दी, ठीक है। तो अब अगले दिन इवेंट है क्या 2 दिन बाद है, अगले दिन इवेंट था, ये इवेंट से 1 दिन पहले की बात है, पिछली रात की। तो हम वहाँ बैठे और हमारी तो रंग उड़ गए। हमने डॉक्टर जोहैब को कॉल की, डॉक्टर जोहैब भी खैर काफ़ी गुस्से में थे उन्होंने काफ़ी खैर सुना दी उनको। पर उसके बाद हम वापस आ गए तो सर भी परेशान थे, तो कहते हैं कि चलो बेटा अब ऐसे करो फिर देख लो अगर कुछ होता है बंदोबस्त तो कर लो, नहीं तो फिर खैर कैंसिल कर देंगे इवेंट, तो मुझे बता देना। सर घर चले गए। अब सर तो घर चले गए, मैं बैठा हूँ, इब्राहिम बैठा है, मेरे दोस्त सरदार बैठे हैं, आयशा बैठी है, और सब लोग हम यूनिवर्सिटी में रात के वक्त बैठे हैं। समझ नहीं आ रही है और रैंडम हमने वेंडर ढूंढा और उम्मीद तो नहीं थी कि उससे मिले। उसको बुलाया और उसको चेक करवाई यूनिवर्सिटी और उसको बोला हम यहाँ स्क्रीन लगाना चाहते हैं। तो वो उसने बोला मैं 40,000 रुपीज़ अभी लूँगा तो मुझे आप स्क्रीन तब आपको मैं स्क्रीन दूँगा, अभी मुझे ट्रांसफ़र करो। तो मेरा एक दोस्त फ़ौरन से तैयार हो गया कि हाँ मैं सरदार कहता है मैं दे दूँगा कोई बात नहीं करते हैं डन। लेकिन उसको मैंने बोला रुक जाता है ठहर जाओ, वो भी कोई स्कैमर ही था। खैर उसको हमने कर आके भेजा। अगले दिन सुबह हारून साहब यहाँ होते हैं IT ऑफिस में, उनसे मेरी बातचीत हुई। वो कहते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी की पार्टनर हैं रेकग्नाइज्ड, जो कि आपको स्क्रीन जो है वो कर सकते हैं, जिनके साथ जिन्होंने हमारे साथ पहले भी काम कर चुके हैं और हमारा ऑडिटोरियम भी उन्होंने बिल्ड किया है। कंपनी का नाम मैं भूल चुका हूँ लेकिन काफ़ी अच्छे लोग थे वो, तो उनके साथ बातचीत हुई, वो कहते हैं हाँ हम कन्फर्म आपको दे देंगे। तो फिर भी हमें यकीन नहीं था कि स्क्रीन मिलेगी। और इवेंट की प्रिपरेशंस हो रही हैं, इब्राहिम साहब लेफ़्ट राइट भाग रहे हैं ग्राउंड में, कारपेट्स लग रही हैं, बेंचेस लग रहे हैं, और स्टेज खैर हमने अलग से बंदोबस्त कर दिया, स्टेज सेट हो रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता, इंक्लूडिंग डॉक्टर ज़ोहैब, कि हमारे पास स्क्रीन नहीं। डॉक्टर ज़ोहैब को पता है, किसी और टीचर को, मेंटर को, इवन शायद आपको भी नहीं पता था उस टाइम कि हमारे पास स्क्रीन नहीं है, ठीक है। तो अब हम भागे, ये फिर उनसे बातचीत हुई उस कंपनी से, और वो कहते हैं हमारा ऑफिस है बाराकोम में, आई थिंक नहीं सॉरी खन्ना पुल के पास। तो यकीन नहीं था, तो सुबह दोस्त की मैदान में बैठे और मैं और आयशा और सरदार भाग के वहाँ गए। हमने कहा आप स्क्रीन लोड करेंगे तो हम यहाँ से जाएंगे। तो वहाँ पे हम बैठे रहे, उन्होंने स्क्रीन लोड की ट्रक में और फिर स्क्रीन पहुँची, और फिर तब जाके हमें इसको सांस मिला। और फिर खैर वो भी उसके बाद भी काफ़ी काम था, काफ़ी हेक्टिक दिन गुजरा था, हमने सारा बंदोबस्त किया। खैर इतना भी ये भी था कि जो इवेंट था उसमें हमने एक और सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट, खैर सोसाइटीज़ तो बहुत सारी कोलैबोरेट करी थी, पर ऑब्वियसली स्क्रीन हमने की, स्टेज हमने किया, घर तो हम इंडिविजुअली कर सकते, लेकिन काफ़ी सारी सोसाइटीज़ इन्वॉल्व हो गई थी, इंटरेस्टेड थी। तो डॉक्टर ज़ोहैब ने कहा था सब मिल मिला के कर लो, कोई कुछ काम कर लें, कोई कुछ। तो तख्लीक का पार्ट था कि उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म करना था, उन्होंने परफॉर्मेंस अरेंज किए हुए थे, तो तख्लीक ने परफॉर्मेंसेस करनी थी। तो फिर इवेंट शुरू हुआ, तख्लीक ने परफॉर्म किया, और फिर इवेंचुअली मैच स्ट्रीम किया। मैच तो हम खैर हार गए, और बड़ा डर लगा हुआ था उस वक्त कि लोग कुछ चीज़ फेंकना। हाँ बस तो, वो के हार गए थे उसका, ये याद है बस, इन्होंने एक रही थी तो हार गए थे। खैर ये हुआ कि उस इवेंट पे अनएक्सपेक्टेडली लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस जो है वो आई थी। आई थिंक 21 बैच या 20 बैच में जो जो लोग आए थे उनको याद हो तो उनका सबसे बड़ा इवेंट फास्ट में वही हुआ शायद। तो कोई मेरे ऑडियंस बालकनीज में ऊपर सी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे, हर फ्लोर पे खड़े हुए थे कि वो मैच देख सके। फर्स्ट फ्लोर का इवन वो बालकनी सारा भरा हुआ था, फर्स्ट फ्लोर वो काफी दूर थी बैठने, लेकिन फिर भी वो भरी हुई थी क्योंकि आगे जगह ही नहीं थी। मेरे ख्याल से सबसे मेमोरेबल इवेंट हमारा तो 4 साल के अंदर ये था। सर आपका पता नहीं फास्ट में कैसा क्या होगा एक्सपीरियंस, सबसे मेमोरेबल इवेंट इट इज ऑडियंस ने नैस्कॉन को छोड़ के, नैस्कॉन साइड को छोड़ के, क्योंकि ऑडियंस इतनी ज्यादा थी कि आप देखें हर जगह से गाड़ियां भर गई थी, पार्किंग भर गए थे आपके। वन ऑफ इवेंट्स में सबसे बड़ा इवेंट इतना ज्यादा लगे थे, लोग खाने के लिए आधे गए में, फिर भी आपकी जो मेन जगह है वो नजर ही नहीं आ रहा आपको दोस्त ढूंढने में। फोन की सिग्नल से तो अलग है, आई डोंट थिंक सो सेकंडिंग दोबारा कोई खराब लगा डेफिनेटली। वो स्टॉल पे तो खाने भी खत्म हो गए थे, ये भी खाने खत्म हो गए, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ वो तो बस भी है, तो इतनी बड़ी रीच थी। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि कुछ ऐसा होगा, तो फिर मैंने क्या किया, अपने एक दोस्त के साथ मिलके जो पुराना मेरा एक थग्स स्पोर्ट्स में जानने वाला था, उससे मैंने बातचीत की। उसको मैंने कहा आई वांट अ मॉन्टाज, मुझे एक मॉन्टाज बना के दो जिसमें हम अपनी जो हम हमारा विजन है, मेरी एक सोसाइटी है उसका विजन है, मैं वो दिखा सकूँ। तो वो मैंने बनाई, और वो सीक्रेटली मैंने प्लान किया था कि जब कोई ब्रेक होगी या इवेंट के एंड पे मैं वो चला दूँगा, किसी को बताया नहीं था। और इवेंचुअली ये हुआ कि फिर वो जैसी कोई ब्रेक मिली और वो हुआ तो मैंने सब लोग उठ के जाने लगे खाने के लिए, और मैंने वो वीडियो प्ले की, तो सब लोग वहीं रुक गए और सबने वो देखी वीडियो। वो हमारा जो था ना, दैट वाज द पीक पॉइंट ऑफ एफजीसी, और एक किस्म की फेस रिवील था, फेस एवरीवन न्यू के व्हाट एफजीसी। हाँ तो सबको फिर उस वक्त आइडिया हुआ कि हाँ भाई एफजीसी भी है और ये एफजीसी करा रही है, ठीक है। और जिससे काफ़ी सोसाइटीज नाराज भी हो गई थी, और मैं तो बहुत थका था। मेरे पास आए थे लोग कि ये आप क्या कर रहे हैं, हमें बताया नहीं आपने कि ये कर रहे हैं। मैंने कहा आपने अगर करना तो आप कर लेते, हम तो रोकते नहीं आपको। खैर ये हुआ, कुछ सोसाइटीज नाराज़ भी हो गई, बात उसके बाद भी इवेंट के बाद भी नाराज़ रही काफ़ी हमसे। लेकिन वो हमारा जो था ना पीक इवेंट था, और उसके बाद से फिर हमारा वी गॉट द बॉल रोलिंग। उसके बाद से हमने ई स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप कराई। ई स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप पास के इंटरनल एक टूर्नामेंट था, 3 दिन तक लगा, वो भी बहुत हेक्टिक था। आपकी भी मेरे ख्याल से आप भी बीमार हो गए थे, मैं भी बीमार हो गया था। तो उसमें सर बिलाल भी थे, सर बिलाल देर तक 1-1 बजे तक वो चलता था, क्योंकि उसमें लोग बहुत आ गए थे। If you remember correctly, registrations 200 से भी ऊपर से लेगी थी। हाँ, टीम्स की वो फीफा में तो 300 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर कर, हमें बंद करनी पड़ी थी। एग्जैक्टली बंद करनी पड़ गई थी। और अगर टोटली देखा जाए, टोटल देखूं तो मैं मुझे लगता है अराउंड 800 टू 1000 पीपल। बस ये बात ये मार्केटिंग के बगैर था, ये था कि हमने कुछ जगह बस बता दिया था कि ये होने लगा। मार्केटिंग करते प्रॉपर जो इंसेंटिव था, जो हिडन इंसेंटिव था, आप उस पे अगर थोड़ा सा बताएं कि हिडन इंसेंटिव क्या था। ये था कि जो लोग यहाँ से फाइनल्स तक जीत जाएंगे उनको हम ये करेंगे, कुछ हमने गेम सेलेक्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल वैलोरेंट, टेकन और फीफा। तो जो हमारे चैंपियंस होंगे उनको हम अपनी ई स्पोर्ट्स जो फास्ट की टीम होगी उसमें रख लेंगे। और फर्स्ट विजन हम जा रहे थे कि फास्ट के लिए रिप्रेजेंटेटिव टीम्स हम बना सकें। सो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज टू पिक द स्टूडेंट्स जो कि फास्ट को फिर रिप्रेजेंट कर सकें ई स्पोर्ट्स। तो वो हमें फिर डिफरेंट गेम्स के लिए हमें मिल गए थे वहाँ से। तो ये सर का आइडिया था और इस पर हमने इम्प्लीमेंट किया और फिर श्योरली इनफ लोग तो सारे आ गए। मुझे तो लग रहा था हमने पूरी फास्ट कवर कर ली है तो काफ़ी लोग आ गए और फिर उनको हमने टीम में इवेंचुअली रख भी लिया। और शाउट आउट टू वलीद मुख्तार जो कि उस वक्त ई स्पोर्ट्स के हेड थे, और उसके अलावा आई थिंक अली कमाल थे जो कि हमारे टेक्निकल सेक्रेटरी थे, और उसके अलावा आयशा और सदा तो एज़ यूजुअल मेरे साथ थे और आप भी मेरे साथ थे, हम लोग तो थे ही थे। उसके अलावा आई थिंक तैयब इजाज़ जो कि गेम डेवलपमेंट के, और महमूद अमजद, ये दोनों भी गेम डेवलप में थे, फिर भी ये इवेंट पे हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस वक्त ऑपरेशंस के लिए मौजूद थे सारा टाइम, ठीक है। और काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत बहुत हैक्टिक था। मैं भी इवेंचुअली बीमार हो गया था तो फिर आप और मैंने तो छुट्टी कर ली थी आखिरी दिन, और फिर सरदार और वलीद और आयशा और इन लोगों ने फिर पीछे से इवेंट संभाला था सारा। और बहुत मेरे ख्याल से ज़बरदस्त इवेंट गया फास्ट की गेमिंग के लिए आज से फास्ट की इंटरनल। तो ये जो टीम्स वगैरह आपने कहा कि आपने बनाई हैं, और ये तो ये किसी टूर्नामेंट्स वगैरह में आपने पार्टिसिपेट करने के लिए भी भिजवाई थी या फिर ये बस टीम्स यहाँ पे लोकली रिप्रेजेंट करें? नहीं, फिर ये हुआ कि हमने कहा चलो किट बनाती हैं, किट बना देते हैं उनकी, और एक ताकि कहीं जाएँ भी तो फिर उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन हो कि ये हमने सोसाइटी बनाई है, यहाँ से लोग आए। तो फिर इब्राहिम ने आपने डिज़ाइन की थी उनकी किट और मुझे तो बहुत पसंद आई थी, और फिर वो हमने किट बनाई, उस पर जॉयलैंड का लोगो लगाया। तो अब जॉयलैंड का मेंशन तो मैंने पहले किया है, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि हमने उनके साथ स्पॉन्सरशिप डन नहीं हो पाई, हमारी कंक्लूड नहीं हो पाई, कुछ इतनी कोई ख़ास रीजंस नहीं थी, थोड़ी कम्युनिकेशन गैप था, उनका ऑफिस भी दूर था, तो वो डन नहीं हो पाई। लेकिन उस पर शर्ट पर उनका लोगो आ गया, मतलब प्रोमो मिली, हाँ प्रमोशन होगी उनकी। फिर उसके बाद पहला इवेंट आई थिंक जिसमें हमने उनको भेजा था वो था सॉफ्टेक फास्ट लाहौर जो है उनका देयर वर्जन ऑफ नैस्कॉन, देयर फ्लैगशिप इवेंट, उसमें हमने भेजा था। उसमें काफ़ी अच्छी पोजीशंस उन्होंने ली थी, फाइनल्स तक तो पहुंच ही गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई प्रोफेशनल प्लेयर्स आए थे तो वो इवेंचुअली वो जीत गए थे। फिर उसके बाद हमने भेजा उनको, आई थिंक मेरे साथ ही गए थे लड़के, टेलीनॉर का एक इवेंट था, वहाँ पे बेसिकली वो तो मीट एंड ग्रीट ही था और वहाँ पे इतने कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं थे। टेलीनॉर के हेड ऑफिस गुलबर्ग में था, वहाँ पे गए थे। उसके अलावा छोटे मोटे टूर्नामेंट्स तो वो जाते रहे हैं ना रेगुलरली, उनमें उनको मुझे कहना नहीं पड़ा। ये बड़े इवेंट्स की बात कर रहा हूँ जिसमें वो गए। फिर हमारा हमने इवेंचुअली एक किया था ऑनलाइन इवेंट, पाकिस्तान का नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, उसमें मैंने रीच आउट किया था यूनिवर्सिटीज़ को फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, और उनको मैंने बोला कि आप अपनी अपनी एक टीम भेजें और आपकी जो विनिंग टीम होगी उसको प्राइज़ प्लस सम वाउचर्स फॉर नैस्कॉन प्लस फॉर फर्दर इवेंट्स, हम वाउचर्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें देंगे और शील्ड्स और ये भी देंगे। तो शील्ड्स का तो आइडिया नहीं मुझे मिली है, उनको नहीं किया अब तक, लेकिन ये था कि जो विनिंग टीम थी उनको हमने नैस्कॉन के लिए वो डिस्काउंटेड वो दिया था कि आप नैस्कॉन में फ्री एंट्री है आपकी और यहाँ के आप खेलें और आपको एडवांस्ड ब्रैकेट में रखेंगे, आप एक किस्म के वाइल्ड कार्ड हैं तो आपकी एंट्री डायरेक्ट फाइनल सेमीफाइनल्स में होगी। तो दैट वाज समथिंग दैट वी ऑफर्ड, और वो भी काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट गया। फास्ट कराची थी उसमें, कॉम सेट्स वाह थी, फास्ट लाहौर थी, पेशावर से भी किसी यूनिवर्सिटी के लोग थे, फिर UCP लाहौर के थे, और मतलब जितनी आप सोच सकते हैं ना, नस्ट के भी थे लोग, नस्ट इस्लामाबाद, जितनी यूनिवर्सिटीज़ आप सोचते हैं प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स में। टूर्नामेंट जो जीते थे ना लोग वो बच्चे बच्चे कोई थे, मतलब आई थिंक वो कुछ इस तरह था कि उसमें कुछ 3 लड़के थे पंजाब यूनिवर्सिटी के फ्रॉम लाहौर, और बाकी 2 लड़के थे कॉलेज के हाँ कॉलेज के। हमने फास्ट की टॉप और फास्ट लाहौर, फास्ट कराची, नस्ट वो एब्सोल्युटली वो प्लेयर्स कुछ इस तरह के थे, उनकी आपस में सिनर्जी इस तरह की इतनी अच्छी थी, काफी अच्छे से खेल रहे थे पाकिस्तान तो हाँ ये डेफिनेटली एक अंडररेटेड चीज़ है। तो वो काफ़ी उनकी आपस में सिनर्जी इतनी अच्छी थी तो वो उन्होंने सबको बीट कर दिया। तो वो फिर इवेंचुअली वो जीत गए और क्या कहते हैं ये एक इवेंट था जिसमें हमारी फास्ट की सोसाइटी ने रिप्रेजेंट किया। तो काफ़ी लोग इंट्रीग थे कि ये अच्छा आपकी यहाँ गेमिंग सोसाइटी है और ये इस तरह के इवेंट्स होते हैं। और फिर वो मतलब हमारी एक किस्म की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में मार्केटिंग शुरू हुई, ठीक है, और विच लेड टू इवेंचुअली द अल्टीमेट सक्सेस विच वाज NASCON गेमिंग। और उसमें ये हुआ कि हमारा तो ये था प्लान कि हम अपना एक इवेंट कराएंगे ग्रैंड गेमिंग सागा के नाम से, जिसमें हम सारी जो है एक किस्म के सारी गेम्स के टॉप प्लेयर्स जो हैं उनको इन्वाइट करेंगे। और उसके लिए मैंने कोलैबोरेट किया था, बुलाई थी, मीटिंग रखी थी, अगर सर को भी याद हो, मामून साबरी और आरजी, हाँ टी टाइम, और आरजी, राना जुबैर, ये बहुत बड़े पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में नाम हैं और ये फास्ट हैं और ये फास्ट हैं, दोनों फास्ट हैं। तो इनको बुलाया और इनके साथ आई जस्ट वांटेड टू रिफ्लेक्ट माय आइडिया विद देम कि हम कुछ कोशिश ये करें कि हम इस ग्रैंड गेमिंग सागा में इंटरनेशनल प्लेयर्स या टीम्स को कुछ बुला सकें, ठीक है, व्हिच वाज अ फार फेस्ट आइडिया। थोड़ी बहुत उस पर रिसर्च की, अपनी मार्केटिंग टीम को टास्क वगैरह दिए कि मैंने उस टाइम पे एक चीज़ ये भी थी ना, हमारी सोसाइटी भी रिलेटिवली न्यू थी, बहुत बड़े लेवल का इवेंट अभी हम नहीं करा सके थे और हमारा विजन काफ़ी बड़ा था कि हम अपनी स्पोर्ट्स टीम की रिप्रेजेंटेशन भी बनाना चाह रहे थे और हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुला के एक बड़ा इवेंट कराना चाह रहे थे। सो वी वांटेड सम एक्सपर्ट ओपिनियन, तो क्योंकि उस वक्त हम इतने बड़े नहीं थे तो इतना पॉजिटिव कुछ रिस्पांस था नहीं उस टाइम पे। विजन आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा था, मगर बात ये कि गेमिंग का स्कोप ही इतना बड़ा है, ट्रू, जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि फास्ट है। पाकिस्तान से लोग जाके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स अगर जीत रहे हैं तो फिर इंटरनेशनली लोग पाकिस्तान में आके क्यों टूर्नामेंट्स नहीं खेल सकते। Exactly. तो ये विजन जो है ना, आई थिंक विजन वाज एट द राइट पॉइंट और स्कोप जो है वहाँ पे भी है मेरे ख्याल से, शायद फैसिलिटीज़ या फिर हम लोग कंसिडरिंग हम लोग स्टूडेंट्स ही हैं, उसामा इज स्टिल स्टूडेंट एंड हमारी जो टीम्स है मेजॉरिटी या तो हमारे बैच की हैं, हमसे जूनियर हैं, तो कंसिडरिंग दैट में भी हमारे जो विजन है वो नहीं रीच हुई, मगर स्कोप तो बहुत बड़ा है। डेफिनेटली वो फाउंडेशंस लैक कर रहे थे, हम उस वक्त एक्सपीरियंस लैक कर रहे थे, वो होती ही चीज़ें, अगर हम इससे पहले कोई क्लास होते होते वी वर जस्ट टेकिंग लाइक अ ह्यूज स्टेप, स्किपिंग अ फ्यू स्टेप्स एंड जस्ट डायरेक्टली जंपिंग राइट टू द टॉप स्टेप। लेकिन थोड़ी सी वी वर डेस्परेट और पेशेंस की शदीद किस्म की कमी। एग्जैक्टली उस वक्त आई फॉरगॉट टू मेंशन एक फोकल पर्सन जो था वो थे दानियाल फारूक। दानियाल भाई का ये सीन था कि देन रैंडम मुझे कॉल आती है, सामा बात करें आप जी, तो कहते हैं कि मैं दानियाल बात करूँ, मैं फास्ट 14 बैच का ग्रेजुएट हूँ, आपने एक सोसाइटी शुरू की है, मुझे बहुत पसंद आई, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। दानियाल भाई से फिर आप मिले फास्ट में, हमारे लिए तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हुए थे खाने के लिए, समोसे, बिस्किट, कुकीज़, बहुत मज़े की कुकीज़ थे वो, और क्या क्या मुझे जिला रहे उस वक्त। और हाँ उस दिन सर नहीं तो हम लोग गए, तो टीम के कुछ सेक्रेटरीज में, बट आप भी थे, इब्राहिम भी थे और वाइस प्रेजिडेंट, और हम लोग गए तो वहाँ पे तो कुकीज़ खाए और वो चिकन पैटीज खाएँ, बड़ा मज़ा आया। कहते हैं मैं जो हूँ फास्ट के 14 बैच का हूँ ग्रेजुएट, और सबसे पहले सारे गेमिंग इवेंट्स मैं ही कराता हूँ यहाँ पे, ठीक है। NASCON में मैंने कराई ख्वाजा काटी, मेरे साथ कुछ लोग थे, और उसके बाद भी मैं सारे गेमिंग इवेंट्स मेरे अंडर होते थे तो मैं कराता था। NASCON भी मैंने कराने की कोशिश की यहाँ पे, तो वो कोविड आ गया उसके बाद, तो फिर मुझे जाके पता चला मतलब पहले भी किसी ने ट्राई किया आ चुका मेरे से पहले इसी विजन के साथ। तो कहते हैं कि बहुत मुश्किल होता है, तुम लोगों ने तो बड़ी अच्छी सोसाइटी चला ली है, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड, और मैं जो अपनी फुल सपोर्ट है। तो इवेंचुअली फिर जो अभी मीटिंग जिसके बारे में बात की, दानियाल और मामून साबरी और राना जुबैर के साथ, वो भी उन्होंने ही अरेंज करके दी थी हमें, और जिसमें हमने उनके साथ अपना आइडिया डिस्कस किया और उन्होंने दे जस्ट गिव अस अ रियलिटी चेक राइट देन एंड देयर, व्हाट वुड बी द कॉम्प्लिकेशंस दैट वुड कम, और हाउ मच बजट डू यू नीड, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट यू नीड। और उसकी मीटिंग के बाद भी हमने काफ़ी उनके साथ डिस्कशंस की कि हम चलो इस डायरेक्शन में नहीं और किस डायरेक्शंस में लेके जा सकते हैं। तो ये बात एक साल पुरानी है, एक साल, वी हैव टू मेंशन दैट क्योंकि आगे जब हम कुछ मेंशन करेंगे थोड़ा सा, हां, सो ये सिर्फ एक साल पुरानी है, सीक्वल अभी बाकी है। तो ये प्रीक्वल में ये हुआ हमारे साथ, तो फिर हमने कहा चलो ठीक है या यूर राइट, ठीक है, और हमें इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। और फिर हमने कहा चलो ऐसे करते हैं, कुछ गेम्स उठाते हैं और उसमें हम ना कुछ 2-4 गेम्स में हम ऐसे करते हैं कि अभी पाकिस्तान में नेशनल जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो जितनी हमारी रीच है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसकी उससे फ़ायदा उठाते हैं और वो हम अगले इवेंट को टारगेट करते हैं। फिर ये हुआ कि नास्कॉन केम, विच वॉज काइंड ऑफ लाइक सडन, क्योंकि डॉक्टर जोहैब ने कहा कि और कोई इवेंट नहीं करा रहे, हम नेस्कॉन करा रहे हैं। तो सर के पास भी आया, हमारा ग्रैंड गेमिंग जो सागा था, दैट वाज मर्ज्ड इन नास्कॉन। बेसिकली नास्कॉन ग्रैंड गेमिंग सागा के अंदर आ गया। हां एग्जैक्टली, मेन चीज ये हुई, मेन चीज ग्रैंड गेमिंग। इवन दो कि ग्रैंड गेमिंग सागा की हमने रिक्रूटमेंट की और वो भी इतनी पहुंच गई थी कि नास्कॉन की जितने लोग हो गए। मजे की बात ये थी कि जो सेक्रेटरीज हमने रखे थे ना फॉर ग्रैंड गेमिंग सागा, वी विल लोग नास्कॉन में थे। इट शोड के एटलीस्ट हमारे अंदर भी कोई कॉम्पिटेंसी है जो मेंटोर्स की है, नास्कॉन की, कि हम लोग इतना कर सकते थे। exactly. और सारे के सारे हमारे सीनियर्स थे, which is a big point. yes. तो नास्कॉन के अंदर कंटिन्यू करते हैं, नास्कॉन में टूर्नामेंट्स एंड फिर स्पॉन्सर्स वगैरह, जैसा आपने नास्कॉन में कुछ हमें लोग अच्छे मिल गए। आई थिंक वैलोरेंट को देख रहे थे, अब्दुल्ला साजिद एक लड़के थे उनके आगे आप बारे में जानेंगे, और उसके अलावा अली अहमद जान थे, और आई थिंक अली काजमी थे जो कॉर्ड को देख रहे थे। टेकन में भी लड़के का नाम आई फॉरगॉट, हमाद समथिंग, टेकन का मुझे सप्तान भाई याद है। सप्तान भाई, यस, सप्तान भाई वाज अ ग्रेजुएट आल्सो एंड ही जस्ट केम 16 बैच ग्रेजुएट एंड ही जस्ट केम टू हेल्प अस ऑर्गेनाइज द इवेंट। और टेकन साइड पे वो संभाली उन्होंने, बिकॉज हमारे पास नास्कॉन की अगर कंपेयर करें तो 50% रजिस्ट्रेशन हमारे पास हमारे गेमिंग इवेंट्स में थी। लगभग more than 1,000 people were registered. Easily 1,000 people. Out of I think 2,200 people that attended. 2,200. Something like that. तो उसमें से 800 to 1,000 लोग सिर्फ गेमिंग में आए थे। और नास्कॉन का एक लार्ज पार्ट ऑफ द बजट विच वॉज नॉट फ्रॉम द स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द इवेंट्स, वो बहुत बड़ी प्रोपोर्शन हमारी गेमिंग इवेंट से जनरेट हो रहा था रेवेन्यू। तो ये इतना सक्सेसफुल गया। और टेकन में तो इतने सारे लोग आ गए थे जितने लास्ट टाइम फीफा में आए थे, और मतलब वो काफ़ी ओवरवेलमिंग हो गया था। और हमने आई थिंक उस वक्त कोलैबोरेट किया था एगॉन ई स्पोर्ट्स के साथ, VR प्ले के साथ, VR गेम के साथ, और इसके अलावा और कंपनीज भी थी उसमें, बट नोटेबल यही मेंशंस थे कि इन बड़ी कंपनीज के साथ हमने कोलैबोरेट किया था और काफ़ी अच्छी हमें स्पॉन्सरशिप मिल गई थी, इक्विपमेंट भी मिली थी। और हाँ, कुछ मसले कॉम्प्लिकेशंस ये आ गई थी कि हमने जहाँ वैलोरेंट इवेंट कराना था तो वो हमें लैब उस टाइम पे जिस इंस्ट्रक्टर की या प्रोफेसर के अंडर थी, वो लैब उन्होंने हमें असाइन नहीं की, अनअसाइन हो गई थी। तो मुझे याद है उनसे हम डिस्कशन करके बाहर निकले, और जैसे ही हम बाहर निकले तो सारी मेरी टीम ज़मीन पर बैठी हुई थी। तो क्या बना भाई? ठीक है, तो मैंने कहा नहीं मिली। तो कहते हैं आप क्या होगा साहब, सब परेशान हो गए। लास्ट मिनट डॉक्टर सर जवाद ने हमें उस वक्त बहुत सपोर्ट किया था। सारा वक्त मेरे साथ आगे पीछे भाग रहे थे, हमने बड़ी कोशिश की थी कि मिल जाए किसी तरह। हाँ एग्जैक्टली, फातिमा नवाज प्रेसिडेंट थी, उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी कि हाँ गेमिंग इवेंट जो है वो किस तरह हो जाए। उन्होंने बात करने की कोशिश की बट नहीं हुआ। इवेंचुअली ये हुआ कि डॉक्टर जोहैब के पास में गया, डॉक्टर जोहैब वाज लाइक तुम टेंशन ना लो, मैं करा दूँगा तुम्हारा इवेंट, ठीक है। वो बहुत सुकून मिला था। और फिर इवेंचुअली बस किसी तरह सर ने कर करके हमें अरेंज कर ही दिया था। हुआ बड़ी मुश्किल से हुआ था ये, लेकिन ये था कि हमें वहीं पे इवेंट कराना था। लैब के पीसीज 40 के 40 वहीं उसी लैब में थे, रहने थे। ये 2 टर्म्स के जिसमें हमें कंप्यूटर्स मिले थे, और वहाँ से हम मूव नहीं कर सकते थे और उनमें हार्ड ड्राइव्स थी। तो कम इवेंट डे फ्राइडे को हम जुम्मे से पहले वैसे इवेंट शुरू होना था, जुम्मे के बाद हमने शाम को 4 बजे कहीं इवेंट शुरू किया। तो वी आर ऑलरेडी बिहाइंड स्केड्यूल, बड़ी मुश्किल से किया। और फिर उसके बाद इवेंट में भी काफ़ी मसले मसाइल हुए कि कोई टीम शो अप नहीं हो रही, और फिर अगली टीम का मैच आ जाता था। क्योंकि वी वर न्यू, तो हमारी प्रैक्टिसेस भी फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट हो रही थी, तो हर चीज़ को देखना, कोऑर्डिनेट करना, तो जहाँ पे फिर मसले आ रहे थे उनको रन टाइम पे कैसे सॉल्व करना, ये डिसीजन लेना। तो बट despite those hardships we were able to complete our event successfully. Yes. That was the main thing and point to be noted, everyone was happy in the end. Main चीज ये थी, मैं कहूँ point to be noted is कि 2 सालों से 3 सालों से नास्कॉन हुआ नहीं था एंड ये जो पूरी की पूरी जो टीम थी इनको जीरो एक्सपीरियंस था, जीरो, और इनका किसी भी प्रीवियस नास्कॉन में मैनेजमेंट का, कोऑर्डिनेशन का, किसी किस्म का एक्सपीरियंस। आई थिंक अली अहमद जान और गुलाम मुस्तफा के अलावा 19 बैच में कोई भी इनका 20 बैच 21 बैच कुछ जूनियर्स हैं जिनके मुझे अभी नाम नहीं है लेकिन कुछ फेसेस याद हैं। फीफा में वलीद था, हां काशिफ नियाज़ी भी था, काशिफ नियाज़ी और वलीद था फीफा में, और ये लोग जो थे मतलब इनकी वजह से वो इवेंट हुआ। आई थिंक मुझे आई हैड not a big as an impact as them, ठीक है, those people were the reasons के वो इवेंट इतना अच्छा गया। और जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया और जिस तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया मेरे साथ, कि मैं भी काफ़ी इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड था और टेम्पर्स वर ऑल टाइम हाई, और उन्होंने बहुत अच्छा आई थिंक मैनेज किया इवेंट। If I could mention them again, I would definitely do, or in life if I ever see them again, I would thank them again. लेकिन तो उनकी वजह से बेसिकली सक्सेस हुआ वो इवेंट। और इसमें मेरे ख्याल से टेकन के अंदर जो आपने मेंशन किया कि कुछ नोटेबल लोग थे, कुछ क्लैंस के थे जो आए थे, एंड मे बी दैट वाज व्हाट लेड टू जो अभी एफजीसी का भी स्टेटस है। वी आर गोना स्पॉइल नहीं करूंगा स्टोरी थोड़ा सा, उसामा का टच। तो कुछ यूं हुआ कि अननोइंगली उसमें आए थे हमारे पास इशारिफ और हाफिज अदील, ये दो टेकन के, हमें तो नहीं पता था लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग्स में आई थिंक टॉप 20 में टॉप 10 में आते हैं। तो ये बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स थे जो कि आए थे यहाँ पे टेकन में पार्टिसिपेट करने। और जब मैं वहाँ रूम में गया चेक ऑन माय राउंड्स में, सब जगह जा रहा होता था, ठीक है, और मेरा वैसे नैस्कॉन में रोल था डेप्यूटी सेक्रेटरी लॉजिस्टिक्स, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल भी फुलफिल नहीं किया। और आई अपोलोजाइज टू माय सेक्रेटरी, सो दैट आई थिंक तहरीम थी, ठीक है, तो उनको सारा अकेले संभालना पड़ा। बट मेरा ये था कि मेन रीज़न यही थी कि मेरे आगे सारे जितने भी गेमिंग के इवेंट संभाल रहे थे बच्चे थे वो सारे, और उनको भी मुझे देखना पड़ रहा था। तो इवेंट से पहले तो मैंने काफ़ी कुछ कर लिया था, लॉजिस्टिक्स में हाथ बटाया था, मीटिंग्स वगैरह भी अटेंड की, कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प की, बट इवेंट वाले दिन आई वॉज एब्सोल्युटली एब्सेंट, ठीक है, तो विच इज़ रॉन्ग ऑन माई पार्ट एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन कम इवेंट डे मैं गया टेकन रूम में, और वहाँ पे टेकन में सिप्तान में जैसे बताया मैं हेल्प कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि उसामा भाई इनसे मिले, ये हाफिज अदील और ये हैं शारिफ, ये टेकन के टॉप रैंकिंग में आते हैं वर्ल्ड में, और ये हमारे पास यहाँ टूर्नामेंट के लिए। उनसे वहाँ मुलाकात हुई, ये मैंने कहा अच्छा ये तो काफ़ी अच्छे लोग हैं। हाफिज अदील की मैं एक बात बता देता हूँ, मुझे थोड़ा सा याद है, हाफिज अदील जो है अरसलान ऐश के पर्सनल ट्रेनर हैं, मतलब वो जो स्पारिंग पार्टनर जिसको कहते हैं ना, जिस तरह बॉक्सिंग में हमने सुना है कि जिससे बॉक्सर लड़ रहे होते हैं, लेकिन टेकन के स्पारिंग पार्टनर थे उनके। सो दैट वाज अ बिग डील, हम लोगों ने तब सुना, मगर हमें क्या पता था आगे क्या होना। हाँ, तो उनसे उस वक्त हमारी इंटरेक्शन हुआ, बहुत नाइस बंदे, ठीक है, और उन्होंने मतलब कुछ एकोमोडेशंस में आई थिंक कुछ मसला था, और कुछ टूर्नामेंट में भी मैंने बताया शॉर्ट कमिंग्स हमारी थी, मैनेज उस तरह तो हम नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हमारी वो शॉर्ट कमिंग्स को हाईलाइट नहीं करने दिया। उन्होंने बोला कि ये चीज़ें होती रहती हैं, आप इनको इग्नोर करें। हमें तो बहुत पसंद आया आपका इवेंट, हमें आपकी हॉस्पिटलिटी भी बहुत अच्छी लगी है, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ हमारी, मतलब एक अच्छा जिसे कहते हैं ना रिलेशन डेवलप हो गया। फिर उसके बाद जो है आगे इवेंचुअली जो कि अभी आपको बताएंगे सर बिलाल, तो काफ़ी मतलब आगे तक उस रिलेशन के ऊपर बिल्ड किया इन्होंने। मेरा ये था कि मैंने नैस्कॉन के बाद, मेरा इरादा तो था अगले साल कंटिन्यू करना, लेकिन नेक्स्ट ईयर आया, समझ गुजरे, तो कुछ यूँ हो गया कि आई हैड सम अदर कमिटमेंट्स, एक पार्ट टाइम जॉब भी मेरी लग गई, तो वहाँ उधर भी कमिटमेंट्स थी, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा था, FIP भी था मेरा, तो मुझे लग रहा था कि मेरे से नहीं मैनेज हो पाएगा। सो आई केम टू सर एंड डिस्कस्ड विद हिम एंड ही वाज वेरी अकोमोडेटिंग, ही सेड इट्स ओके, वी विल फाइंड समवन एल्स एंड आई विल कंटिन्यू द विजन यू हैड, द विजन वी हैड, और इंशाल्लाह मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। उस वक्त ये भी हुआ था ड्यूरिंग दैट टाइम कि डॉक्टर जोहैब हैड स्टेप डाउन, ही हैड स्टेप डाउन, और फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा ये था कि अब थोड़ा आगे थिंग्स वुड बी डिफिकल्ट, वी एंटिसिपेटेड दैट। और डॉक्टर हसन मुश्तबा को भी हमने ऑन बोर्ड तो लिया हुआ था, खैर फिर थोड़ा सा उनको हमने ये किया कि आगे जो है मूविंग फॉरवर्ड यूड हैव टू सपोर्ट अस, उनसे भी बातचीत हुई, तो ही वाज लाइक आफ्टर दैट ही वाज द प्राइम मेंटर, और आई डिड द रिक्रूटमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम, मतलब अगली जनरेशन, हाँ अगली जनरेशन का, तो इंटरव्यूज दिए और कुछ फिर उसके बाद मैंने फॉर्म्स वगैरह पे रजिस्ट्रेशन की और फिर उसके बाद आई जस्ट फॉरवर्ड द प्रोसेस टू सर बिलाल। तो सर बिलाल अब अगली जनरेशन के ऊपर अगर बताएं कि पहली जनरेशन तो आ गई, इन्होंने स्टेपिंग स्टोन एक रख दिया और इट वाज अ ह्यूज स्टेपिंग स्टोन कि अब यहाँ पे मतलब अब उछल के कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब आप आराम से आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, आपको अपनी विजन नज़र आ रही है। तो अब इधर से बताएं कि ये जो नई जो रिक्रूट्स हैं, ये जो नई जो विजन है या वही वाली विजन को कैरी ऑन की, ये किस तरह चला है? अब ये थोड़ा सा आपकी ऊपर फोकस। अच्छा, आसान तो नहीं था, उतना ही बड़ा स्टेप फिर से रखना था, उतना ही बड़ा रखना था। सही है, क्योंकि जब उसामा प्रेसिडेंट था तो उस टाइम के अंदर लाइक 90% कंट्रीब्यूशन हर चीज़ की मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन में, कोऑर्डिनेशन में उसामा की थी। ठीक है, सो मेरा जो उसमें रोल था वाज टू जस्ट लुक आफ्टर थिंग्स। अगर कोई बहुत सीरियस इशूज़ हैं या डिस्कस करने वाली चीज़ें तो उसके अंदर इन्वॉल्व हो के उनको सॉल्व करवाना, दैट वाज माय पार्ट। तो फिर उसामा ने बताया कि ही हैज़ सम पर्सनल कमिटमेंट, जिसकी वजह से अब उसको फास्ट गेमिंग क्लब छोड़ना है। और मैंने तब भी उसामा को कहा था, मैं भी कहूँगा कि जब तक फास्ट गेमिंग क्लब चलेगा और इसकी बात रहेगी तो उसामा का डेफिनेटली साथ में नाम रहेगा, क्योंकि लिटरली लाइक द फाउंडिंग मेम्बर ऑफ द सोसाइटी। तो उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब अगर उसामा जा रहा है तो उसकी स्पेस किसी ना किसी को फिल करनी है। तो उसके लिए हमने रिक्रूटमेंट्स किए, बहुत सारी चीज़ें की और फिर उसके अंदर हमें प्रेसिडेंट पिक करना था, दैट वाज द फर्स्ट टास्क। तो जब हमने नास्कॉन के अंदर इवेंट मैनेजमेंट की थी तो वहाँ पे जो सबसे पैशनेट एक मुझे अगर इंडिविजुअल लगा रिलेटेड टू गेमिंग और गेमिंग इवेंट्स के लिए तो वो था अब्दुल्ला साथी, जो कि हमारा करंट फास्ट गेमिंग क्लब का प्रेसिडेंट है। सो आई कॉल्ड अब्दुल्ला, मैंने अब्दुल्ला से बात की, मैंने उसको सारा कुछ बताया कि हम किस विजन से इस सोसाइटी को लेकर चल रहे हैं और अगर वो विलिंग है तो वो हमें ज्वाइन करे और इसको कंटिन्यू करे। तो फिर अब्दुल्ला को हमने प्रेसिडेंट बनाया, हमने न्यू टीम रिक्रूट की और उसके बाद एकदम से थोड़ा सा ज़रा ना सोसाइटी के जो एकदम वो कहते हैं राइजिंग पे था, वो थोड़ा सा डिक्लाइन करना स्टार्ट किया, क्योंकि अब अगेन न्यू इंडिविजुअल, न्यू टीम, न्यू प्रैक्टिसेस थोड़ी सी हमें देखनी पड़ी। और फिर तब हमारे जो हायर अप्स में हमारे डायरेक्टर थे डॉक्टर जोहैब, उनकी तरफ से हमें लाइक अनकंडीशनल सपोर्ट था, हम जाके बता देते ये इवेंट है, चीज़ें हैं, तो उधर से हमें काफ़ी सपोर्ट आती थी। तो हमारी फिर मैनेजमेंट चेंज हुई, उनका विजन चेंज हुआ, तो जिस तरह हम काम करते थे वो चीज़ें भी वहाँ पे चेंज हो गई। तो इनिशियली थोड़ा टाइम हमें उससे ज़रा कोप अप करने में लगा और फिर उसके बाद हमने कहा कि अब क्योंकि हमें दोबारा से काम करना है तो एक चीज़ जो हमारा इवेंट था जो हमने सबसे पहले करवाया था बीइंग एफजी सोसाइटी वाज इंट्रा फास्ट टूर्नामेंट। फास्ट की डिफरेंट जो कैंपसेस हैं उनके दरमियान जो टूर्नामेंट था हमने वो करवाया, हमने वैलोरेंट गेम सेलेक्ट की, हमने ऑनलाइन उसको करवाने की कोशिश की, दैट वाज अ सक्सेस। और उसके बाद फिर हमने दोबारा ट्राई किया क्योंकि एक दफ़ा हम ग्रैंड गेमिंग साइगा प्लान कर चुके थे और वो हमने नास्कॉन में मर्ज की, तो हमने दोबारा से ट्राई किया कि हम उसको करवा सकें। तो फिर से अगेन उसकी हमने प्लानिंग, क्योंकि हमने उसामा के साथ पहले सारा होमवर्क किया हुआ था तो उस होमवर्क को दोबारा से हमने उसी पे बिल्ड करना स्टार्ट किया। तो वही रियलाइज्ड कि अब उस स्केल का शायद करवाने के लिए हमें स्पॉन्सर्स की भी ज़रूरत है और हमें डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम एक बड़ा इवेंट कराना चाहते हैं तो बड़े नेम्स की भी ज़रूरत होगी जो कि इवेंट में पार्टिसिपेट करें। तो फिर हमने नास्कॉन को खुद से टारगेट किया कि जो भी हम करवाएंगे वो अब नास्कॉन का पार्ट होगा। तो जब हमने उसमें वर्क स्टार्ट किया तो फिर जो इवेंट हमने पिक किया जिसको हम बड़ा करना चाह रहे थे वाज टेकन। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये थी कि जैसा उसामा ने बताया कि जब हमने नास्कॉन में प्रीवियस नास्कॉन में जब इवेंट कराया था तो शारिफ और हाफिज अदील दो लोग थे जिनसे हमारी इंटरेक्शन हुई और ये दो लोग वो थे जो कि आपके जितने भी प्रो प्लेयर्स हैं उन सबके साथ लिंक थे, सबके साथ। सो अब्दुल्ला का मेन टास्क फिर यही था कि वो इस इवेंट को अरेंज कराए और इस इवेंट के लिए फिर जो स्पॉन्सर्स वगैरह है वो हम किसी तरीके से विन कर सकें। तो थ्रू शारिफ हमने कांटेक्ट किया, ईवो जापान के फर्स्ट विनर पाकिस्तान के जो हैं विच वाज अरसलान ऐश, फिर जो करंट विनर उस टाइम पे थे विच वाज आतिफ बट, उनसे किया, कासिम मीर, मलिक ऐश, फेट खान, तो जितने भी बड़े बड़े नाम थे हमने सबको अप्रोच किया कि वो हमारे इवेंट को ज्वाइन करें और साथ में हमने डिफरेंट स्पॉन्सर्स को भी टारगेट किया ताकि हम अपना इवेंट उनसे स्पॉन्सर करा सकें। और फिर हमने जो फास्ट की मैनेजमेंट है उनसे भी रिक्वेस्ट की कि वो हमें असिस्ट करें डिफरेंट चीज़ों के अंदर। सो हमारे विजन में ये था कि अब हम इवेंट को बड़ा कराएंगे और इस स्केल पे कराएंगे कि लोग फिर लाइक लिटरली जान जाएं कि ओके कितना बड़ा इवेंट हुआ था और वो फास्ट ने करवाया था और एफजीसी वाज पार्ट ऑफ दैट इवेंट। तो उसके लिए एक साइड पे प्रिपरेशन चल रही थी, प्लस हमने जो लास्ट नास्कॉन के अंदर डिफरेंट शॉर्टकमिंग्स, जैसा उसामा ने बताया कि हमें सिस्टम्स का, लैब्स का इशू हुआ, वो हम टाइमली नहीं अरेंज कर पाए, तो उसके लिए भी फिर हमने डिफरेंट स्पॉन्सर्स वगैरह से बातचीत करनी स्टार्ट की। सो वैलोरेंट के लिए हमने दो स्पॉन्सर्स ऑन बोर्ड किए, एक ग्लिच गेमिंग थी और एक हमारे पास गेम लाइफ थी। ये दोनों डिफरेंट वो हैं गेम कंपनीज। इनके साथ हमने कोलैबोरेट करके अपना वैलोरेंट का इवेंट अरेंज किया। कुछ वेंडर्स हमने ऑन बोर्ड किए जिनसे हमने प्ले स्टेशन और इस तरह की चीज़ें अरेंज की। और फिर हमारा जो मेन इवेंट था विच वॉज टेकन, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो गुड न्यूज़ आई वॉज ऑफ आतिफ बट के ही इज़ विलिंग टू कम टू आवर इवेंट। जो इवेंट 21 का इवो जापान का विनर था, उसने कहा कि वो आ रहा है। फिर उसके बाद हमने शारिफ के थ्रू ही कोलैबोरेट किया और फाइनली फिर हमें कंफर्मेशन मिली कि अरसलान ऐश जो है ही हैज़ कंफर्म कि ही विल बी पार्ट ऑफ आवर इवेंट। और फिर अरसलान ऐश के साथ डेफिनेटली फिर बाकी हमने उसको यूज़ किया है। अभी थोड़ी सी 5 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं, पॉज ले सकते हैं? हाँ श्योर श्योर। कैमरे सारे के सारे मेरे डेड हो गए हैं। अच्छा राइट सर, तो सर हम कंटिन्यू करते हैं। इस ब्रेक के बाद थोड़ा सा टेक्निकल डिफिकल्टीज हो गई थी, तो सर हम बात कर रहे थे एक तरह से नास्कॉन की प्रिपरेशंस के लिए, इशारे के बारे में एंड आतिफ बट आपने कहा कि अप्रोच करें। तो हमारा कांटेक्ट बना था जो हमने पहले इवेंट करवाया था उसामा के साथ, उसमें शारिफ के साथ और हाफिज अदील के साथ। तो फिर हमने शारिफ को अप्रोच किया क्योंकि वो खुद एक प्रो प्लेयर है और इवेंट मैनेज करता है टेकन से रिलेटेड, कि हमारा कांटेक्ट करवाए डिफरेंट प्रो प्लेयर्स के साथ। तो पहला पर्सन जो ऑन बोर्ड हुआ था हमारे वाज आतिफ बट, ठीक है, लास्ट ईगो का वो चैम्पियन था 21 का। उसके बाद फिर उसके थ्रू हमने फेट खान, मलिक ऐश, कासिम मीर, बहुत सारे और प्रो प्लेयर्स को ऑन बोर्ड किया। हाफिज अदील भी थे इस दफ़ा हमारे साथ। और फिर फाइनली हमारा तो कहते हैं ना मेहनत ने रंग लाया, और उसके बाद अरसलान ऐश भी ऑन बोर्ड हो गया हमारे। फिर हमें अपने इवेंट के लिए स्पॉन्सर्स की ज़रूरत थी, तो अरसलान की वजह से जो रेड बुल था टेकन इवेंट के अंदर वो उधर स्पॉन्सर थे। उसके बाद जो हमारा वैलोरेंट का इवेंट था वहाँ पे हमारे पास ग्लिच गेमिंग और गेम लाइफ थे, उन्होंने हमें इक्विपमेंट स्पॉन्सर किया था। और जो फिर हमने अपना टेकन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया, दैट इज़ द बिगेस्ट टेकन टूर्नामेंट एवर हेल्ड एट अ यूनिवर्सिटी लेवल, जिसमें सारे के सारे आपके प्रो प्लेयर्स थे। प्राइस पूल भी 150 के मतलब अच्छा खासा प्राइस पूल था। नास्कॉन में कितना प्राइस पूल था टेकन का? पिछले नास्कॉन में आई थिंक 30,000 था। हां, सो उससे 30 से 150 वो काफ़ी बड़ा जंप था हमारा। उसके फिर हमें और भी स्पॉन्सर्स मिलते रहे जो साथ साथ जुड़ते गए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह। और उसके बाद अब्दुल्ला की बहुत शदीद किस्म की एफर्ट थी, और पीछे जो उसामा की एफर्ट थी उसी पे हमने बिल्ड करके कितना बड़ा इवेंट कराया। और उस इवेंट के बाद अब मतलब एवरीवन नोस के व्हाट FGC इज। और मजे की बात है कि हमारा टूर्नामेंट वाज द लास्ट टूर्नामेंट व्हिच अरसलान प्लेड इन पाकिस्तान एंड ही वेंट टू इवो जापान 23, और अब उसका चैंपियन और इवो जापान बिल्कुल। तो वो मतलब उसका सॉर्ट ऑफ एक प्रेप इवेंट बन गया, और इट वाज वेरी एक्साइटिंग। सही। तो अब थोड़ा सा इसको जिस तरह आपने बोला है कि ये यूनिवर्सिटी लेवल पे इतना हाई लेवल एक टूर्नामेंट है, एक इवेंट है जो एक सोसाइटी ने किया। एक सोसाइटी के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि 20, 21, 22 साल के ज़्यादा से ज़्यादा हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर मेंटर्स ऑब्वियसली। तो अब ये सक्सेस बहुत हाई लेवल के ऊपर है। अब ये एक बार आपका बन गया, एक पीक बन गया। अब इसको एक तो सरपास करने वाली जो बात है उस पर हम आते हैं, मगर मैं कह रहा हूँ इस बार और स्पीक पे आने के लिए जिन लोगों की आपको सपोर्ट मिली है, आपके लिए स्टूडेंट्स के उसके अंदर, स्पॉन्सर्स के अंदर या फिर मेंटर्स के अंदर, जो डेफिनेटली जिसको एक इंडिविजुअल को मैं कहूँगा दैट इज़ डेफिनेटली उसामा, क्योंकि जो बेसिक बिल्डअप था, जो बेसिक सारी स्ट्रक्चरिंग थी ऑफ सोसाइटी, जो उसके अंदर प्रैक्टिसेस और सब चीज़ें सेट करने में डेफिनेटली उसामा का बहुत बड़ा रोल था। तो हमारे जो कॉन्टेक्ट विच एक्चुअली इनेबल्ड अस कि हम इस लेवल पे इवेंट कराएँ, हमें सारे उन्हीं प्रीवियस इवेंट्स की वजह से मिले, क्योंकि उसकी बेसिस पे हमने अपनी प्रोफाइल बिल्ड की, कनेक्शंस क्रिएट किए, और उन्हीं कनेक्शंस पे हमने यूटिलाइज किया कि हम आज इस लेवल के ऊपर हैं। फिर यूनिवर्सिटी के अंदर इनिशियली डॉक्टर ज़ोहैब को डेफिनेटली मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था कि आप एक सोसाइटी बिल्ड करें और फिर उनको चीज़ें प्रोवाइड करने में। और अगर मैं करंट इवेंट की बात करूं तो उसमें डेफिनेटली एक नाम जो स्टूडेंट बॉडी की तरफ से है इज़ अब्दुल्ला, क्योंकि अब्दुल्ला ने सारा मैनेज किया, स्पॉन्सर्स के साथ बातचीत करना या फिर प्रो प्लेयर्स के साथ बातचीत करना, उनकी जो भी रिक्वेस्ट है उनको फैसिलिटेट करना, ये सारा अब्दुल्ला का था। और अगर फैकल्टी में बात की जाए तो इस दफ़ा नास्कॉन के जो कन्वीनर थे डॉक्टर नवीद, उनकी डेफिनेटली सपोर्ट थी। उन्होंने हमें हेल्प किया। लास्ट डे के ऊपर हमने अपने टूर्नामेंट का जो फाइनल था, जो अरसलान ऐश वर्सेस दाऊद सिकंदर था, वो हमने स्ट्रीम तो किया ही था लेकिन साथ में हमने स्क्रीन पे भी दिखाया यहाँ पर। तो डेफिनेटली ये वो कुछ लोग हैं जिनको मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा इस पूरी जर्नी के अंदर जिन्होंने हमें हेल्प की। उसामा आपके थोड़े से अगर डिफरेंट हैं? सेम, ऑलमोस्ट सेम है, बस ये था लास्ट ईयर हमने NASCON पे एनिमे कॉन भी कराया था, तो उसमें हमारे साथ थी अरीबा मकसूद, आई थिंक मकसूद अरीबा थी, और रोहान था, रोहान अहमद, रोहान साइम असलम, और ये चंद लोग थे, और सफ़ा, हाँ सफ़ा काशिफ, और माज तारिक, स्पेशली माज तारिक ने बहुत मेहनत की थी उस एनिमे कॉन के लिए, वो भी बहुत एक इन इट सेल्फ बहुत बड़ा सक्सेस था। और पार्ट ऑफ द रीज़न कि मैं गेमिंग वाले साइड इतनी अच्छे तरीके से संभाल सकी कि मुझे साइड पे हाथ ही नहीं डालना पड़ा, तो सारा उन्होंने हादिया नूर ऑल्सो जस्ट फॉरगॉट, क्योंकि इतने लोग होते हैं, हादिया नूर ने भी बहुत, और इन लोगों ने मतलब दिन रात ये भाग रहे थे एनिमे कॉन के लिए, मेहनत की, वेंडर से बात करना डायरेक्ट, और फिर जिस लेवल का वो एनिमे कॉन हुआ यहाँ पे फास्ट में, वो आई थिंक ऐसा एनिमे कॉन पहले तो कभी नहीं हुआ, इस्लामाबाद में भी काफी ऐसा उसको रेप्लिकेट कर ऐसा इवेंट ही नहीं हो, कोई सोशल इवेंट जिसमें लोग आके ड्रेसअप भी ना करें, लोग गैदर हो रहे हैं एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए। आई डोंट थिंक गेमिंग कम्युनिटी इस तरह कभी किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह हुई है। और पहले ट्विन बॉन एक होता था, वो फिर वो खत्म हो गया, उसके बाद से तो यही आई थिंक वो सबसे बड़ा था। उसके बाद हमारे उस एनिमे कॉन के बाद कुछ इवेंट शुरू हुए हैं, कुछ लाहौर में, कुछ कराची में, और यहाँ इस्लामाबाद में भी उसके बाद एक बड़ा इवेंट हुआ। लेकिन उससे पहले जो है ना वो फर्स्ट इवेंट था जो कि कोविड के बाद एनिमे से रिलेटेड एक कम्युनिटी को वापस bring them together. We can probably say we are the trendsetters. FGC ने काफी मामलों में कह सकते हैं, एक तो ट्रेंड बनाया और एक सेटिंग स्टोन, जिस तरह स्टेपिंग स्टोन मैंने बोला था कि अरसलान ऐश पहली बार किसी यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट के अंदर, यू कैन नॉट इमेजिन कि शायद अफरीदी ठीक है वर्ल्ड कप जीत के उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी की टीम के साथ खेल। तो हम लोग अपने ई स्पोर्ट्स के चैंपियंस को भी हम लोग उनके ही इक्विवेलेंट अगर हम लोग कंसीडर करें, इसामुल हक कभी ना आए, तो इस मतलब बंदा इमेजिन नहीं कर सकता है कितनी बड़ी बात है। इट्स बहुत ज़्यादा अंडरमाइन हो जाती है ये बात, बिकॉज इट्स द गेमिंग इंडस्ट्री। तो आई वुड लाइक टू, मेरे ख्याल से दानियाल भाई का बहुत बड़ा, दानियाल भाई का एनिमे कॉन में बहुत बड़ा रोल था इस मेंटोरिंग के अंदर। तो अब थोड़ा सा जाते हैं फ्यूचर ऑफ ई स्पोर्ट्स एंड फ्यूचर ऑफ FGC। तो पहले उसामा आपका आखिरी सेमेस्टर है, तो थोड़ा सा बताएं। थोड़ा सा मैं तो फ्यूचर ऑफ ई स्पोर्ट्स पे बात करूंगा, क्योंकि फ्यूचर ऑफ ई स्पोर्ट्स में ना आप ये बता दें कि आपका कोई कंट्रीब्यूशन है फ्यूचर ऑफ ई स्पोर्ट्स में, या प्लान टू प्लान कुछ, जैसे आपकी पहले भी कुछ कम्युनिटी आपने बनाई थी। हां हां, तो फ्यूचर ई स्पोर्ट्स पे ही बात करूंगा, क्योंकि फ्यूचर ऑफ FGC तो सर बिलाल के हाथ में, और जो हमारे अगली जनरेशन आ रही है 20 बैच, 21 बैच और 22 बैच, तो फ्यूचर ऑफ ई स्पोर्ट्स मैंने तो वैसे पार्टली द रीज़न कि मैंने FGC बनाई यही था कि एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुझे मिल जाए, और मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट था कि मैं वन डे आफ्टर ग्रेजुएटिंग पॉसिबल आई कुड स्टार्ट अनदर ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, मे बी कैरी ऑन थग्स ई स्पोर्ट्स, कंटिन्यू दैट, क्रिएट, स्टार्ट विद अ स्मॉल गेमिंग जोन, फिर उसके बाद देन assemble a team and maybe sponsor them to send them abroad, because esports का पाकिस्तान में potential तो बहुत है, सुमाइल हो गया, अरसान ऐश हो गया, टेकन में तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद वैलोरेंट में भी है, वैलोरेंट की हमारी इतनी अच्छे प्लेयर्स हैं वो जो कि आप इंडियन टीम्स में जाके खेलें, ठीक है। देयर इज़ मुस्तफ़ा कमाल, देयर इज़ व्हाट्स दैट नेम HSB, फिर उज़ैर हैं जो स्ट्रीमर हैं बहुत बड़े। तो वैलोरेंट में भी हमारे पास टैलेंट बहुत है, स्ट्रीमिंग का टैलेंट भी बहुत है, लेकिन अब पाकिस्तानी ब्रांड्स दे रिलक्टेंट टू गेट इनटू दिस मार्केट टू स्पॉन्सर ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स और ऑर्गेनाइजेशंस, एंड पार्टली द रीज़न इज़ कि अब तक जिस तरह ई स्पोर्ट्स हैंडल होती रही है, ऑर्गेनाइजेशन इस तरह इसको लेके चले हैं, दैट हैज़ बिन लाइक in an, I wouldn't say unprofessional, but like not done the right way. Not in a serious way, guess. Not in a serious. It's not taken seriously. Yes. Marketing agencies, advertisements वाली आपके companies जो होती हैं ना, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, इनको value कौन देता है? So I would probably think of starting small with just a few players or just one player. That would be wonderful. और फिर just getting a one or two, maybe a couple of sponsors. I did think of doing this back in the days, लेकिन university के दौरान छुट्टियों में I even signed up for a few incubation programs बट ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए परस्यू नहीं कर पाया. बट आइडिया वाज के टू इनिशियली पार्टनर विद यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स and find players and then like get a sponsorship in the form of scholarships for these players so that जो उनकी main concern होती है ना players की, उनकी parents की तरफ से आती है कि उनकी पढ़ाई affected, so that that doesn't get affected. ठीक है, और उनके पास एक backup always plan रहे if their career in this career path doesn't succeed for them, तो they always have a backup plan. So for that reason I thought कि universities और colleges के साथ partnership करना ठीक रहेगा. फिर you also have collegiate leagues in the US, like there's Nights Gaming or something like that. वो ये हैं कि they're actually एक university से मुंसलिक हैं, जुड़े हुए उनके साथ, और forgot the name of the university. तो होता ये कि जो players होते हैं उनको scholarship मिलती है, just like any other sports scholarship, you get an e-sports scholarship. वहाँ पे अपनी उनकी gaming labs हैं और वो गेमिंग लैब्स हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और उसकी प्रॉपर उनके कोचेस होते हैं, फिर उसके बाद टूर्नामेंट्स में खेलते हैं. सो इट्स जस्ट लाइक स्पोर्ट्स गेमिंग एकेडमी. हाँ, गेमिंग एकेडमी. सो आई थिंक आई वांटेड टू स्टार्ट दैट ओवर हियर एंड आई वुड लव इट अगर एफजीसी जो है उसको उस मुकाम तक पहुँच जाए, ले जाए. बट दोज आर माई बेसिक प्लान्स एंड एस्पिरेशंस फॉर स्पोर्ट्स. सो बिलाल विल डिस्कस नाउ फॉर एफजीसी. फ्यूचर विजन के अंदर डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम कुछ कहते हैं ना बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा करेंगे. बिल्कुल. सो सबसे पहले तो डेफिनेटली एक चीज़ जो मैं करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि एफजीसी के अंदर हम ऐसे लोग लेके आएँ विच मेक्स इट दे आर एबल टू एक्चुअली डू इट, कि जो हमारा ग्रैंड गेमिंग सेगा का एक विजन है. जैसा मैं चाहता हूँ कि एक सेमेस्टर के अंदर वी हैव NASCON, सो इन अदर सेमेस्टर वी हैव ग्रैंड गेमिंग सेगा. ठीक है, सो इट बिकम्स अ गेमिंग फ्लैगशिप इवेंट जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, और उसके अंदर फिर यूनिवर्सिटी की भी डेफिनेटली फुल सपोर्ट चाहिए होगी. और बाकी भी हम चाहेंगे कि ऑल ओवर द पाकिस्तान, इनफैक्ट इंटरनेशनली भी अगर लोग आके पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो करें हमारे इवेंट के अंदर. सो एक तो इस चीज़ पे डेफिनेटली काम करना चाहेंगे. प्लस जैसे उसामा ने कहा, इवन दो ई स्पोर्ट्स का बूम आ रहा है, लोग बहुत खुशी से पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट्स के अंदर, लेकिन टेकिंग ई स्पोर्ट्स एज अ कैरियर इज स्टिल अभी उसमें बहुत टाइम है अभी पाकिस्तान, क्योंकि जो हमारे ऊपर लोग हैं उनको भी समझाना कि वाई स्पोर्ट्स कैन बी अ फुल टाइम यू नो जॉब, और उससे कैरियर एक बनाया जा सकता है, वो एक बड़ी मुश्किल चीज़ है. टू मेक टू हेल्प एन इंडिविजुअल टू गो प्रो, वो जो प्रोसेस है दैट टेक्स टाइम. उसके लिए आपको यू नो पेशेंस रखना पड़ता है, आपको बिलीव करना पड़ता है. तो जिसमें उसामा ने कहा उसके लिए वी कैन क्रिएट सम प्रोग्राम, सम अपॉर्चुनिटीज़ के ऐसे स्पेशली स्टूडेंट्स, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी लेवल सोसाइटी हैं जो कि इस तरफ जा सकते हैं, अगर हम उनको ग्रूम करके लेके जा सकते हैं तो उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, उनके लिए बैकअप्स क्रिएट करना ताकि वो फ्रीली इस चीज़ को परस्यू करें. डेफिनेटली दैट वुड बी वन ऑफ अवर गोल्स. और हमने अभी इतना बड़ा टेकन का इवेंट कराया, नाउ वी आर एलिजिबल टू यू नो अरेंज अ डोजो इवेंट. सो एक वो भी हमारे प्लान में है कि अब हम एक पूरा फुल फ्लेज डोजो इवेंट क्रिएट करें और इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी यूनिवर्सिटी लेवल इवेंट पे हम इनवाइट करें. तो दैट ये हमारे सारे ठीक है. टू कंक्लूड मैं थोड़ा सा एक अपना पर्सनल एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी तक मैंने देखा है गेमिंग क्लब के अंदर, एफसीसी के अंदर, कि वी आर फोकसिंग ऑन अ कपल ऑफ गेम, वी आर फोकसिंग ऑन वैलोरेंट, वी आर फोकसिंग ऑन टेकन, फीफा पे थोड़ा सा टूर्नामेंट्स एटलीस्ट हो जाते हैं बट नॉट नेसेसरली फोकसिंग ऑन इट. ठीक है, फिर हमारे पास टूर्नामेंट्स आ जाते हैं क्वाड के एंड CS के. बट आप आज से एटलीस्ट 8 साल पहले भी देखते ना, वैलोरेंट की एक्सेप्शन निकाल लें, टेकन होता था, कॉड होता था, CS होता था, फीफा होता था. हम लोग अभी यहाँ पे भी ई स्पोर्ट्स के अंदर आप देखें इंटरनेशनली नई गेम्स आ रही हैं. PUBG मोबाइल जो है चाइना के अंदर, आपको पता है, अभी एक टूर्नामेंट हुआ था 25 लाख विनिंग थी जिसके अंदर एक कॉलेज का बच्चा जीता था. टू इमेजिन दैट. तो इसकी भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. एंड आपकी बाकी जो गेम्स है, जो पुरानी गेम है, मैं थोड़ा पुरानी की तरफ और थोड़ी नहीं जैसे आपकी डोटा आ जाती है, लीग ऑफ लेजेंड्स आ जाती है, जो स्ट्रैटेजी गेम MMORPG, एंड अगर इनको अगर लेकर चलें तो ऑब्वियसली इट्स अ लॉट. और फिर एक और मेरा था इसके ऊपर कर लें कि व्हाट गेम्स आर यू लुकिंग कि आप इन पे काम करें. मजे की चीज़ बताता हूँ जो वैसे मैंने पॉडकास्ट में मेंशन नहीं की, ना मेरा इरादा था. मैंने बहुत ऐसा PUBG खेली है और मैंने बीइंग प्रोफेशनल स्ट्रीम भी किया, कोई चैनल वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन किया है ये काम मैंने भी किया. अब पबजी के अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं यहाँ पे कि आप एक पबजी टूर्नामेंट अरेंज कर सकते हो, अगेन देयर इज नो बॉडी, जैसे आप वैलोरेंट के लिए उसके लिए एक अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है और बाकी गेम्स के लिए भी कम्युनिटी है, जो पबजी की कम्युनिटी है वो अब बड़ी डिस्पर्स हो गई है बिल्कुल, अब और तो पबजी जो है ना वो अब इवन दो आपने एक एग्जांपल दी कि उसका कितना बड़ा टूर्नामेंट हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एज सच उसके इतने बड़े लेवल के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे। मजे की बात है जब हमारा ये लास्ट NASCON में टेकन इवेंट था तो पबजी का एक प्रो प्लेयर है प्रेडेटर वाईटी, अगर आप में से किसी को जानते हो तो ही वाज देयर एट द इवेंट विद अस, तो देखने आज हां एंजॉय कर, क्योंकि हमने पबजी तो रखी भी नहीं थी। और ये जो गेम्स हैं जो कभी भी चल रही हैं, जैसे टेकन 7 चल रही है या आपके पास वैलोरेंट चल रही है, इनके जो प्रीडिसेसर गेम्स हैं उनकी एक बड़ी डाई हार्ड फैन फॉलोइंग बिल्कुल, और वही फैन फॉलोइंग जो है वो शिफ्ट हो के यहाँ तक पहुँची है कि टेकन अभी भी रेलिवेंट है और सेम गोज फॉर काउंटर स्ट्राइक। सही है, तो इस वजह से ये गेम्स कंटिन्यू रहेंगी और गेम्स की जा सकती हैं। डोटा की आपने बात की, लीग ऑफ लेजेंड के बहुत सारे लोकेट हैं लेकिन अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उसके सर्वर्स नहीं है, इसकी वजह से नहीं है। इवन जो वैलोरेंट भी है अब आपको पता है ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज लोग नहीं पाकिस्तान रीजन से अकाउंट बना रहे, टर्किश रीजन से अकाउंट बना रहे। अब जब भी आप कभी उनके सपोर्ट से बात करें, उनको कहें कि हम इसके टूर्नामेंट्स हो गए तो कहते हैं आपकी इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है, हालांकि है बहुत बड़ी लेकिन सारी टर्की को रिप्रेजेंट कर। सो इस वजह से हमारे अपने थोड़े शॉर्टकमिंग्स हैं, प्लस जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर है हमारे ई स्पोर्ट्स के लिए अब थोड़ी बहुत बातचीत होना स्टार्ट हुई है। अभी रिसेंटली जब लास्ट गवर्नमेंट थी जो हमारी, तो उसके अंदर उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनकी ग्रूमिंग के लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे, लेकिन वो अभी भी प्लान के अंदर ही है, उसकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन में अभी भी टाइम, वो इलेक्शन के आसपास वो भी अगर एजेंडा में यूथ वोट्स हुए था। ठीक है, एक और सब क्वेश्चन है इसी के अंदर, अब ये सब क्वेश्चन नहीं है, एक ये मेरा होप है, अब मैं भी कंसीडरिंग आई वाज अ वीपी थोड़ा सा इसको साइड पे करके, तो आई रियली होप्ड कि हम लोग ठीक है ये सारी की सारी आपकी कॉम्पिटिटिव गेम्स आ गई, स्ट्रेटजी गेम्स आ गई, मगर थोड़ा सा अगर हम लोग मोटिवेशन या फिर थोड़ा सा अगर करें ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरी गेम्स के ऊपर आप कर लें, थोड़ी आर्केड गेम्स के ऊपर कर लें, जो कि आपकी जिस तरह GTA की स्टोरी, जहाँ तक स्टोरी है मैं उधर तक की बात कर रहा हूँ, जिस तरह आपके गॉड ऑफ वॉर आ जाती है, जिस तरह ये सारी की सारी स्टोरीज हैं। स्ट्रीमिंग का कल्चर इतना ज़्यादा नहीं है, अगर हम लोग इनको करें, क्योंकि प्ले स्टेशन का आपको पता है जितनी मजे की गेम्स निकलती हैं और उनकी सारी स्टोरी होती है, दे ऑल बेस्ड ऑन स्टोरी, दे नॉट बेस्ड ऑन कॉम्बैट, दे नॉट बेस्ड ऑन कि आपका कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, वो सारी की सारी स्टोरीज में। आई थिंक इसके ऊपर अगर लोग अपनी गेमिंग का अपना शौक इस पर अगर स्टार्ट करें तो आगे जाके वो फिर और कॉम्पिटिटिव के अंदर भी जाना चाहेंगे। आई थिंक ये वाला जो है कल्चर मेरे में थोड़ा ज़्यादा है, मैं वो वाला बंदा हूँ जो कि प्रेफर करता है कि स्टोरी गेम ज़्यादा हों, थोड़ी लंबी 8 घंटे बैठ के मैं मतलब प्रोग्रेस कर रहा हूँ, और मुझे ये नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है, वैलेंटाइन के साथ भी मैंने बहुत खेली थी मुझे बहुत बुरा लगता है कि सेम मैप के ऊपर सेम गन्स के साथ सेम 4-5 लोग जो डिफरेंट लोग, वो ऑब्वियसली उसमें एक और ब्यूटी है कि उसको परफेक्शन करना और वो सारे के सारे करना, मगर मुझे थोड़ा सा आर्टिस्टिक नेचर है मेरा कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिफरेंस ऑफ सीनरी हो, थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस हो, थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग वाली चीज़ हो। अब ये वाले जिस तरह के गेम्स हैं सारे स्पेक्टेटिंग गेम्स में आते हैं कि इनकी भी अपनी डाई हार्ड कम्युनिटी है जो कि बैठते हैं, जैसे स्पाइडरमैन की गेम्स हैं वो बिल्कुल, फिर एक कम्युनिटी है जो कि पोकेमॉन गेम्स बड़े शौक से खेलते हैं। ठीक है, सो अब ये वो कम्युनिटीज़ हैं कि ये सिर्फ कम्युनिटी के अंदर ही की जा सकती हैं, और इनका फिर कंपैरेटिव सीन बनाना वो डिपेंड करता है कि वो गेम, अब जैसे GTA के अंदर भी है मल्टीप्लेयर मोड, सो वी कैन मेक सम कस्टम मिशंस, रेसेस, इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए अगेन क्योंकि यूनिवर्सिटी के लेवल पे लोगों को अप्रोच करना होता है, तो जो बिगेस्ट कम्युनिटीज़ है ना टारगेट उनको ही करते हैं। मेरा क्वेश्चन या फिर बात जो है कम्पिटिटिवनेस की लेनी थी, मेरा ये था कि जैसा मेरे ख्याल से मैंने शायद पिच भी किया था कि अगर आपके पास कोई चैनल वगैरह है, अगर आप उस पर कोई एक बंदा स्ट्रीम कर ले स्टोरीज, और मैं जब बच्चा था मुझे याद है कि मैं बहुत देखता था। हाँ, इस तरफ ज़रूर हमारा है, हमारा ऐसा प्लान है, हमने बल्कि उसामा के साथ भी एक अलग से स्ट्रीमिंग के लोग रखने की कोशिश की थी, और हमारा ये भी था गेम रूम का एक आइडिया था। एग्जैक्टली, हम उसके लिए पुश कर रहे हैं कि हमें एक गेम रूम मिल जाए जिसके अंदर हम अपना स्ट्रीमिंग सेटअप अरेंज करें, और उसके अंदर से फिर हम रेगुलर स्ट्रीम्स करने की कोशिश करें। हमारे जितने भी इवेंट्स जिनको हमने इस पॉडकास्ट पे मेंशन किया, हम उन सबके स्ट्रीम्स किए हुए हैं एंड दे आर अवेलेबल ऑनलाइन। तो हमारा ये प्लान जरूर है कि हमने स्ट्रीमिंग वाली चीज़ को स्ट्रीमलाइन करना है और रेगुलर स्ट्रीम्स को लेके जाना है, लेकिन उसके अंदर डेफिनेटली वी नीड टू प्लान एंड यू नो गेट द रिसोर्सेज जो उसके लिए रिक्वायर्ड है। और दूसरा जो आप इस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं स्टोरी गेम्स वाली, उसको फॉस्टर करने के लिए भी किया जा सकता है। उसी गेम रूम में हम एक मेंबरशिप वाली फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करा लें कि यू पे 500,000 रुपीज़ यू गेट अ मेंबरशिप एंड यू गेट अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स पर वीक, ठीक है। यू कम टू द रूम, यू एंजॉय योर गेम्स विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, और यू स्पेंड योर आवर्स देयर विद योर मेंबरशिप कार्ड और व्हाटएवर। इसी तरह और वो कम्युनिटी इस तरह बिल्डअप हो सकती है। लेकिन उसी के लिए थोड़ा सा हमें अपना ग्राउंड वर्क इस तरह करना पड़ेगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता तो हमने कर दिया है, लेकिन वो एक गेमिंग सागा वाले इवेंट को अगर हम लेके चलें और थोड़ा एक जो अपर एचलन्स है ना सोसाइटीज़ की, उसमें FGC का नाम आज एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर ये FGC कैन पुल अप सम फंड्स। मतलब अभी आप लोगों ने बार के ऊपर एक और बार रखा है, अरसलान के ऊपर एक और आपका ग्रैंड गेमिंग सागा, दैट्स द नेक्स्ट, दैट्स द नेक्स्ट कोर्स, यस। तो फिर हम जो है ना इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, वो डेफिनेटली देयर आर ऑन आवर एजेंडा। सर बिलाल एंड उसामा, इट वाज रियली ग्रेट हैविंग यू। आई थिंक ऑडियंस को ये बहुत मजे का और इसके अंदर बहुत ज्यादा इनसाइट्स मिली होंगी टू द स्टोरी बिहाइंड व्हाट FGC इज एंड हाउ FGC वाज केम इनटू बीइंग, एंड जहाँ पे ये जितना काम किए, जितनी रातें और ये मेहनतें मतलब सर की तो 2 साल से, मेरे ख्याल से हमारी 1 साल की मेहनत है, 1 साल। तो दिस सोसाइटी मतलब ये इतने आराम से नहीं बनी, इसके पीछे जो स्टोरीज है ना, ये तो अभी एक समराइज 1 घंटा 20-25 मिनट की हम लोगों ने एक वीडियो में हम कंपाइल करें। जितनी ये स्टोरीज हैं ना, अगर तुम लोगों को पता लगे तो तुम लोग भी शॉक हो जाओ। एंड ये हम लोगों ने सारे एज स्टूडेंट्स किया, एज प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर किया। तो I think there's a lot of growth and inshallah matlab with the right leadership of Sir Bilal is the right leadership with the right students hum log isko aur progress kar sakte hain and फिर आप देखें अरसलान ऐश आ गया, इसके बाद और भी लोग आ जाएंगे इंटरनेशनल अपने गेमिंग लोग, आप ही नाम ले सकते हैं। अब हम अरसलान भी कहेंगे कि बाकी लोग अरसलान से कहेंगे, हां ये इशारे से वो नए कनेक्शन बिल्ड किया, हम उनके ऊपर फर्दर मतलब एक्सपोनेंशियल आप वो बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। 10 सोर्सेस हैं, इनको बुलाएंगे, टॉप प्लेयर्स को बुलाएंगे। इट वाज ग्रेट हैविंग यू वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।